ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में ट्रेवर को मिलिट्री करने ने अरेस्ट करवा रखा था और उसने हमें बोला था कि अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो हम लोग ट्रेवर को मरवा भी देंगे। अब यार देखो, वहां से ट्रेवर को बचाना तो एक टाइप से इम्पॉसिबल था, इसलिए हम लोग ने यार मिलिट्री कर्नल के लिए काम करना सही समझा। अब यार देखो, सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यह है कि मिलिट्री कर्नल को लगता है कि हमारे टेररिस्ट से कोई ना कोई लिंक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए यार मिलिट्री कर्नल ने क्या करा कि उसने हमें बोला कि जो टेररिस्ट ने उनका जेट कब्जा रखा है वो लेकर आना है। तो गाइस देखो, बिना फिलहाल मिलिट्री कर्नल का मैंने एक काम तो कर दिया था, यानी जो इनका जेट था मैंने इन्हें वापस लाकर दे दिया था, बट जो इसका दूसरा काम है वो ये था कि टेररिस्ट का जो मेन बॉस है ना, उसको पकड़ कर लाना है। अब उसको पकड़ने के लिए यहां पर मैं उनके सीक्रेट बेस में आ गया, बट यार इधर ना बहुत ज्यादा खतरा है, एक टाइप से कह सकते हो आप उसे पकड़ना इंपॉसिबल है दो बंदों के लिए। इसलिए यार अभी ना अंदर जाने के लिए हमें और सिक्योरिटी चाहिए। अभी फिलहाल ये जो गेट है ना, मैंने लेसर से आधा बंद करवा लिया है, और ये जो गेट है ना गाइस, सिर्फ और सिर्फ मतलब कंप्यूटर से ही कंट्रोल होता है। अब लेसर ने इसे हैक कर रखा है, इसलिए वहीं से कंट्रोल कर पा रहा है। अभी फिलहाल फ्रैंकलिन को मैं यहीं पर छोड़कर जा रहा हूं, और इसको मैंने बोल दिया अगर टेररिस्ट का बॉस नजर आता है तो सीधा मेरे को कॉल करियो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो पहले यहां से भागियो फिर कॉल करियो। अभी फिलहाल मेरे हिसाब से यार फ्रैंकलिन को कोई भी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। मैं अपनी बाइक लेकर जल्दी से निकल लेता हूं सीधा मिलिट्री बेस के लिए, और मिलिट्री कर्नल को जाकर यार सब कुछ बता दूंगा कि भैया हमारे बस की नहीं है, हमें अपने साथ और भी ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए। यानी कि मैं गाइस पूरी की पूरी आर्मी लेकर आने वाला हूं अपने साथ, तभी हम लोग ये काम कर पाएंगे। तो चलो गाइस, अभी ना बिना किसी तरीके में अपनी बाइक को लेकर इस टनल से बाहर निकल लेता हूं। बाकी यार एक तो ये टनल भी इतनी ज्यादा बड़ी है ना कि बाहर जाने जाने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर काफी ज्यादा आगे तक पहुंच गया हूँ, बट यार अभी तक ना मुझे वो जो एग्जिट है नजर नहीं आई। पता नहीं यार आखिरकार ये जो टनल है कितनी ज्यादा लंबी है। बट यार एक सेकंड, अपनी बाइक के सबसे पहले मेरे को यहाँ पर लाइट बंद करनी है, और पहले हेलमेट पहन। यहाँ पर गाइस सामने की तरफ में ना टेररिस्ट खड़े हुए हैं, बट यार अभी मेरे को आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए मेरे को समझ नहीं आ रहा। अब यार देखो, टनल से बाहर निकलने का एक यही रास्ता है, बाकी यार जो दूसरा रास्ता है वो तो इस टाइम पर बंद होगा। अभी फिलहाल हेलमेट तो मैंने पहन लिया है, बट यार यहाँ पर एक सेकंड यार, ये तो काफी सारे टेररिस्ट हैं, बट यार अभी मेरे को यहाँ से बाहर जाना है तो मुझे इनको मारना ही पड़ेगा। इधर आते ही ऐसे जैसे यहाँ पर निकल यहाँ से। ओए नहीं, देख लिया भाई कितनी ज्यादा तेज नजर है इन लोग की। अभी फिलहाल एक को तो मैंने मार दिया, बट यार बाकी उन्हें देख लिया, गाड़ियों पर गोलियां मारना शुरू कर दिया है। तो रुक जाओ गाइस, गाड़ी का टायर इन्होंने पंचर कर दिया। निकल यहाँ से, बहुत तेजी मैंने, और तू तो और बुरी तरह पिटेगा, तू भी निकल यहाँ से। चलो गाइस, तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर इन लोगों ने गाड़ियों पर बहुत बुरी तरह गोलियां मारना शुरू कर दिया है, और ये लोग भाग कर मेरे काफी ज्यादा क्लोज आ रहे हैं करके। रुक जाओ, तुम्हारी ऐसी की दसी है, मेरे को पता नहीं है इनका निशाना कैसे होने वाला है और इनके पास वेपन्स कौन से हैं। फिलहाल एक बंदे को मैंने डाउन करा था, उसको मैंने फिनिश कर दिया। एक एरा तेरी ऐसे की दसी, निकल यहाँ से। और वैसे जो गाड़ी है ना, इन्हीं लोग की गाड़ी है, काफी ज्यादा मजबूत है, तो मेरे को नहीं लगता इतनी जल्दी ये फूटने वाली है। अभी जल्दी से ना गाइस, एक बंदा यहाँ पर इस तरफ में भी आया था, मेरे को दिखा तो था बट यार अभी वो नजर नहीं आ रहा। अभी फिलहाल एक बंदा और उतरी, उसके एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर अब पड़ेगा, निकल यहाँ से। ओ उसके पीछे वाले के मैंने मार दिया, और तेरी बारी यार, इसके हेडशॉट क्यों नहीं मार पा रहा मैं, ये रहा अब पड़ेगा, इसका सीधा आंख पे मारी है मैंने। अभी पीछे की तरफ में भी एक बंदा है, तू आ तेरी भैंस के रंग, एक एक गिरा हुआ है, निकल यहाँ से। चलो अभी गाइस, ओ इन्होंने मेरे पास सिलेंडर भेज, एक सेकंड गाइस, अगर इन्होंने सिलेंडर पे गोली मार दी ना तो ये जो जगह है पूरी की पूरी ब्लास्ट हो जाएगी। एक काम करता हूँ, सिलेंडर को मैं थोड़ा सा दूर फेंकता हूँ, अगर वो दूर जाके ब्लास्ट होगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अभी फिलहाल मेरे पे कोई डैमेज ना हो इसलिए मैं इसके पीछे छुप जाता हूँ। भाई साहब, इन्होंने सिलेंडर मेरे पास तक कैसे पहुंचाया? तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल पीछे की तरफ में सिलेंडर जो है यहाँ पर ब्लास्ट हो गया, अच्छा हुआ कि मैंने उसे गोली मार के भी दूर कर दिया था। और साथ के साथ यार ये लोग तो अलग ही टाइप के टेररिस्ट हैं, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा सिलेंडर मेरे तक आया कैसे रोल होता हुआ। अभी भी कुछ बंदे पीछे की तरफ में है जो कि खड़े होकर मेरे आने का वेट कर रहे हैं। आजा तेरी ऐसे की तरफ, निकल यहाँ से, बहुत तेजी में है ना। अभी फिलहाल यहाँ पर एक बंदा हो रहा है, तो गाइस देखो बिना फिलहाल पीछे की तरफ में कहीं तो बंदा छुप के बैठा हुआ है, बट यार मेरे को ना वो नजर नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से जो मैक्सिमम बंदे थे ना वो तो मर गए हैं। अभी जल्दी से मैं चलता हूँ सीधा पीछे की तरफ में, अगर वो जिंदा हुआ ना तो सीधा मैं मार दूंगा। कहाँ पर है तेरी ऐसे की तरफ, बाहर निकल, यहाँ पर उसका मेरे को पता भी नहीं चल रहा। फिलहाल मेरे को लग रहा मर गया, उसके जब मैंने स्नाइपर मारी थी ना एक बंदे को, तो मेरे को लग रहा उसके पीछे वाले के लिए लग गई थी। अभी ना गाइस सबसे पहले ना जल्दी से रास्ता बनाता हूँ, बाकी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो किस तरीके से ना ये लोग रास्ते पे बैठे हुए थे। अब पता नहीं यार ये लोग मेरे को मारने के लिए बैठे थे या फिर ये हमेशा इसी टाइप से कैंपिंग करते हैं। फिलहाल लास्ट टाइम जब मैं आया था तब तो यार इधर कोई भी नहीं था। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहां पर मैंने टेररिस्ट की भी गाड़ी साइड कर दी। अभी मैं पता क्या सोच रहा हूं कि एक टेररिस्ट को अपने साथ ले चलूं, बट यार अभी ना यहां पर मैंने सारे के सारे टेररिस्ट मार दिए हैं, तो यार इनको अपने साथ ले जाने का कोई भी फायदा नहीं है। अगर मैं किसी एक टेररिस्ट को जिंदा रखता ना तो क्या पता मैं उससे कोई ना कोई पूछताछ कर ही लेता। तो चलो गाइस, अभी ना कोई दिक्कत की बात नहीं, जल्दी से मैं अपनी बाइक को लेकर निकल लेता हूं सीधा मिलिट्री बेस के लिए, और वहां पर चलकर देखते हैं कि आखिर मिलिट्री कर्नल हमारे साथ क्या करता है। हो सकता है कि वो हमें मार दे या फिर अरेस्ट कर ले, या फिर हो सकता है कि वो अपनी आर्मी हमें दे दे यहां पर अपने साथ लाकर अटैक करने के लिए। बाकी यार जहां तक मुझे लग रहा है ना, वो हमें नहीं मारेगा, क्योंकि यार हमारे अलावा ना उसकी कोई हेल्प भी नहीं कर सकता है इस टेररिस्ट वाले मामले में, क्योंकि हम ही टेररिस्ट को इस टाइम पर पकड़ सकते हैं। बाकी तो यार अभी हमने पूरी लोकेशन वगैरह सब पता कर लिया है, बट यार इनको मारना ना एक टाइप से इम्पॉसिबल है, क्योंकि अंदर कितने टेररिस्ट हैं कुछ भी नहीं पता। अभी फिलहाल यार
जल्दी से मैं निकलता हूँ सीधा मिलिट्री बेस के लिए। तो गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक को लेकर पहुंचने वाला हूँ मिलिट्री बेस। बस मुझे आगे वाले कट से अंदर की तरफ में लेफ्ट लेना है। एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपनी स्पीड कम कर लेता हूँ, वरना मेरे को लग ही रहा था कि मैं ठुकने वाला हूँ। अभी जल्दी से अपनी बाइक को यहाँ पर राइट मोड़ते हैं। और फिलहाल अभी मेरे को सुनने में आया कि मिलिट्री बेस की जो सिक्योरिटी है ना, वो इन्होंने पहले से ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी ना इन लोग को हमसे डर बैठा हुआ है कि कहीं हम लोग ट्रैवर को बचाने के चक्कर में इन लोग पे अटैक ना कर दें। अभी फिलहाल अपने वेपन्स में अंदर करता हूँ और कोई है भी गेट पे, वहां पर एक गार्ड खड़ा हुआ है। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर इस गार्ड से बात हो गई है और गाइस यार ये कह रहा है कि तुम्हारे पास जितने भी वेपन्स है वो सारे के सारे हटा दो। और गाइस यार वो तो मैंने हटा ही दिए हैं, और ये कह रहा था कि सामने से सिक्योरिटी आएगी, उसके साथ तुम्हें जाना है, और सामने से वो लोग आ भी गए हैं। तो दो मिनट रुक जाओ, चल रहा हूँ सबके साथ। तो चलो भाई जल्दी से गेट खोलो। तो चलो गाइस यार, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर मिलिट्री बेस के अंदर एंट्री हो चुकी है और यहाँ पर ये सारे के सारे सोल्जर्स ना मेरे को लेने के लिए आए हैं। और ये लोग ना मेरा अभी स्वागत नहीं कर रहे, ये लोग मेरे साथ साथ इसलिए चल रहे हैं ताकि मैं कोई भी चलाकी ना कर पाऊं। और इन्होंने साफ साफ बोला, अगर मैं कोई भी हरकत करता हूँ और अगर मेरे पास वेपन्स पकड़े गए तो ये यहीं के यहीं गोली मार देंगे। और इस टाइप की पागलपंथी अभी मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यार अभी ना ट्रैवर को बचाना है, हमें खुद ही नहीं फंसना। और इस टाइम ना वैसे मेरे को मिलिट्री कर्नल के ऊपर विश्वास है कि वो अपनी आर्मी मेरे को जरूर दे देगा और हम लोग उससे जाकर मतलब जो मेन टेररिस्ट का बॉस है उसे पकड़ कर ले आएंगे। बाकी यार मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये जो मिलिट्री कर्नल है ना यार, ये बहुत ज़्यादा दिमाग वाला है। इसका दिमाग पता नहीं कब कहाँ चल जाए, कुछ नहीं मालूम। अभी फिलहाल इतने सारे सोल्जर्स इतने पीछे रह गए, कितने स्लो हो गए तुम लोग। बाकी तो यार यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, बाहर की तरफ में एक मिलिट्री कर्नल खड़ा हुआ है, बट ये दूसरा मिलिट्री कर्नल है। तो भी जल्दी से अंदर चलते हैं, उस वाले कर्नल से बात करते हैं। फिलहाल यहाँ पर भी वो नहीं बैठा, और ये सारे के सारे दो मिनट के लिए पीछे रहोगे, मैं तुम्हारे कर्नल को कुछ भी नहीं कहूंगा। बेचारे मेरे वेपन्स लेने के बाद भी मेरे से इतना ज्यादा डर रहे हैं। तो भी फिलहाल ये रहा मिलिट्री कर्नल, और अंदर भी सिक्योरिटी है। चलो कोई नहीं, फिलहाल यहाँ पर ये शायद इन्हें पढ़ा रहा है। चलो कोई नहीं, जल्दी से बात करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। तो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल मिलिट्री कर्नल से बात होगी है, और गाइस यार ये कह रहा है कि अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी कभी यहीं पर मार दूं, बट तुमने मेरे लिए आधा काम कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकता, और तुम्हारे अलावा ये जो काम है और कोई कर भी नहीं सकता था। यानी कि जो हमने इसका जेट वापस ला कर दिया था ना, इस वजह से मैं नहीं मार रहा है। बट यार ये कह रहा है कि अगर तुम टेररिस्ट के बॉस को पकड़ कर नहीं लाए तो मेरे लिए एक काम है वो कर दो। मतलब कि जो टेररिस्ट का प्लान है ना, तो गाइस टेररिस्ट का प्लान ये था कि वो लोग ना पूरे के पूरे लॉस सैंटोस के अंदर कोई बहुत तगड़ा ब्लास्ट करने वाले थे, और वो था प्रेसिडेंट से रिलेटेड। मतलब प्रेसिडेंट की आज शायद से स्पीच है, तो उसी के अंदर उनका कोई प्लान था वहां पर ब्लास्ट करने का या फिर वहां पर अटैक करने का। तो ये कह रहा है कि तुम्हें ना बस उसका प्लान फेल करवाना है, तो शायद से हम लोग थोड़ा बहुत बच सकते हैं, वरना ये जो है सीन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। अब यार देखो, टेररिस्ट के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता भी नहीं है, बट अपने साथ लेस्टर है, तो शायद से वो कुछ ना कुछ कर सकता है। अभी फिलहाल अगर ये काम नहीं हुआ तो मतलब अभी उसने हमें छोड़ तो दिया है, बट ट्रैवर को नहीं छोड़ा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रैवर को बचाना, हमको तो वो फिर भी छोड़ देगा, बट ये बात है कि उसने हमें अभी मारा नहीं, अभी उसने हमें एक मौका और दिया है। बस वो कह रहा है कि तुम कुछ भी करना, ये जो उनका प्लान है फेल करवा दो, उसके बाद शायद से वो जो है ट्रैवर को छोड़ देगा। तो चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी जल्दी से ना मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। और फिलहाल यार यहाँ पर मिलिट्री वाले काफी ज्यादा खुश हो गए हैं, क्योंकि इनका जो मैंने जेट वापस ला कर दिया है वो शायद से ना सिर्फ और सिर्फ एक ही बना था। बाकी यार सामने की तरफ में, अरे 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 मैंने कुछ नहीं करा भाई, यहाँ पर काफी सारे बंदे आ गए हैं, साथ में एक मिलिट्री कर्नल भी आ गया मेरे साथ साथ। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर सारे के सारे मिलिट्री सोल्जर्स ने मेरे को गेट तक छोड़ दिया है, और ये लोग यहाँ से वापस जा चुके हैं। और अभी ना गाइस बिना किसी देरी के मैं लेस्टर को कॉल लगाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि आखिरकार वो कहाँ पर है। अब यार देखो, लास्ट टाइम मेरे को नहीं याद कि लेस्टर, ओके 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 याद आया, लास्ट टाइम लेस्टर अपने वही वाली सीक्रेट जगह पर गया था जहाँ पर हम लोग मेट्रो में छुप कर बैठे हुए थे। तो भी जल्दी से यहाँ पर मैं लेस्टर को कॉल लगाता हूँ, और वो देखो सामने की तरफ में वो जो जेट है ना, शायद से वो वही वाला जेट है जो कि मैंने मिलिट्री वालों को दिया था। अब देखने में तो वैसे ही लग रहा है, स्पीड भी इसकी बहुत ज़्यादा थी, सेकंड्स में ही वो कहाँ तक पहुँच गया। अब पता नहीं ये वही वाला या फिर दूसरा है, खैर छोड़ो वो बात की बात है। अभी जल्दी से यहाँ पर मैं लेस्टर को कॉल लगाता हूँ, उससे पूछते हैं वो कहाँ पर है, और जल्दी से उसके पास चलते हैं और देखते हैं क्या प्लान है। उसको सारा का सारा सीन में बताऊंगा। अभी फिलहाल फ्रैंकलिन भी थोड़ा बहुत खतरे में है, तो उसका भी कॉल जैसे आएगा मेरे को उठाना पड़ सकता है। मतलब इस टाइम पर सबसे ज्यादा जो खतरे में है वो ट्रेवर है, और उसके बाद फ्रैंकलिन है, बाकी भी मैं भी सेफ हूँ, लेस्टर भी सेफ है। तो भी जल्दी से देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। तो गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात होगी, और गाइस यार सही मौके पर लेस्टर ने फोन भी उठा लिया। पता नहीं क्यों आजकल इसका फोन जो है ना स्विच ऑफ जा रहा है। अब आपको पता होगा वो जो हैकर है ना, इसका नंबर ट्रेस कर रहा है, इसलिए बार बार ना अपना फोन बंद करके रखता है। और गाइस यार ये कह रहा है कि ये ना भी एक्लिप्स टावर पर है, तो भी जल्दी से हम लोग वहां पर चलते हैं। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर पहुंचने वाला हूं सीधा एक्लिप्स टावर के लिए। बस मुझे आगे वाले कट से अपनी बाइक को राइट मोड़ना है, और फिर मेरे को सीधा लेकर चलने से अपनी पार्किंग में। अब खैर छोड़ो, पार्किंग में पार्क करने से बढ़िया ना, यहां पर आगे की तरफ में एक छोटा सा गैराज है जहां पर ट्रैवर भी अपनी बाइक वगैरह पार्क करता है, तो यहीं पर मैं अपनी वाली जो बाइक है पार्क करता हूं। क्या पता बाद में इसकी जरूरत पड़ जाए। वैसे गाड़ी तो अच्छी है, इतनी बुरी भी नहीं कह सकते, बट यह है कि स्पीड इतनी कोई ज्यादा खास नहीं है।
तो चलो अभी जल्दी से ना यहाँ पर एक काम करता हूँ। ओके, यहाँ पर ट्रेवर की हायाबुसा भी खड़ी हुई है और यहाँ पर ट्रेवर ने गाड़ी नहीं है, ट्रेवर की कार नहीं है, शायद से लेस्टर की कार है। तो भी जल्दी से एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं चलता हूँ एक्लिप्स टावर की बेसमेंट में, शायद से ट्रेवर ने मेरे को आने के लिए बोला है। अब पता नहीं उसने बेसमेंट में क्यों फ्लैट लिया है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर लिफ्ट में बैठकर मैं आ चुका हूँ सीधा लेस्टर के फ्लोर पर। अभी जल्दी से यहाँ पर हम लोग अंदर चलते हैं, बाकी देखते हैं अभी लेस्टर में क्या बताने वाला है। वैसे जो फ्लैट है तो काफी ज्यादा बढ़िया और बहुत ज्यादा बड़ा भी है। तो चलो अभी देखते हैं लेस्टर क्या कहता है। ओके, यहाँ पर लेस्टर आज इतना ज्यादा झूम क्यों रहा है, मेरे को लग रहा है इसने डर के मारे बियर पी रखी होगी। ओके, पता नहीं यार यहाँ पर अभी लेस्टर क्या करने वाला है, इसका दिमाग मेरे को सही नहीं लग रहा है आज। तू की गाइस अभी ना फिलहाल हमें लेस्टर कह रहा है कि इसकी एक फ्रेंड है, काफी बड़ी हैकर है और वो हमें उन टेररिस्ट तक शायद पहुंचा सकती है, क्योंकि लेस्टर कह रहा है उससे जितना हो सकता था उसने कर लिया है। अब क्या पता उस लड़की के पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो। तो अभी जल्दी से लेस्टर से उसकी लोकेशन लेते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि तुम उसके पास जाओ और मिलकर आओ, अगर तुम्हें उससे कोई सोल्यूशन मिलता तो ठीक है, वरना यार अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। और लेस्टर की तो भाई इस टाइम पर हालत खराब हो चुकी है, मेरे को लग रहा है उसने कुछ ज्यादा ही बियर पी ली। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर लेस्टर तो शायद से नीचे सोने के लिए जा चुका है। अब हम लोग चलते हैं सीधा उस लड़की के पास और देख कर आते हैं आखिरकार वो लड़की है कौन और आखिरकार वो कितनी बड़ी हैकर है। तो भी जल्दी से यहाँ पर हम लोग लिफ्ट में बैठते हैं और चलते हैं सीधा नीचे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल लिफ्ट में बैठकर मैं आ चुका हूँ सीधा एक्लिप्स टावर के ग्राउंड फ्लोर पर। तो अभी जल्दी से चलते हैं गैराज में और अपनी गाड़ी लेकर मैं निकल लेता हूँ सीधा उस लड़की के पास। और गाइस वो जो लड़की है ना वो मतलब कि काफी ज्यादा बड़ी हैकर है, और आपको याद होगा जो यूनियन डिपॉजिटरी की चोरी थी ना, उस वाली चोरी में भी वो लड़की हमारे साथ थी। एकदम एंड टाइम पे उसने लैपटॉप में हैक करा था, जिससे कि हमें ना मतलब पुलिस वालों की सारी लोकेशन पता चल रही थी कि पुलिस वाले कौन से रास्ते से आ रहे हैं, और जिस वजह से हम लोग बचकर वहां से निकल गए थे। अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक नहीं, यहां पर लेस्टर की कार लेकर ही वहां पर जा रहा हूं, क्योंकि कार मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगी और ये जो कार है मेरे को लगती भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो बिना किसी देरी के निकल लेते हैं सीधा उस जगह पे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी कार को लेकर उसी जगह पर पहुंचने वाला जो लोकेशन मुझे लेस्टर ने दी थी, जहां पर वो लड़की रहती है। वैसे यार उसके रहने की ना कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, वो एक ट्रक के अंदर रहते हैं छुप के। तो भी जल्दी से वहां पर चलकर देखते हैं कि वो हमें उस जगह पर मिलती है या फिर नहीं मिलती। बाकी यार उसने मेरे को कहा था एक रेलवे ट्रैक होगा, उसी के आसपास उसका ट्रक आज खड़ा हुआ है। बाकी यार अभी तो मेरे को नजर नहीं आ रहा, फिलहाल इस तरफ में एक रास्ता जा रहा है और वो जो रेलवे ट्रैक है ना उधर फ्लाईओवर के नीचे होगा ना। तो चलो ठीक है, यहां से मुझे यानी लेफ्ट लेना है। फिलहाल राइट में भी एक रास्ता है बट मेरे को इधर नहीं जाना, लेफ्ट की तरफ में रेलवे ट्रैक होगा। अब ऐसा ना मेरे को उसने बोला तो है, फिलहाल थोड़ा सा और आगे चलकर देखते हैं। बट यार इधर तो उतर, ये कौन सी बाइक खड़ी हुई है? ओ भाई ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है वाली बाइक मेरे को। बट यार अभी यहाँ पर बाइक वाइक देखने का टाइम नहीं है, फिलहाल रेलवे ट्रैक मेरे को मिल गया है। जल्दी से अपनी कार को मैं आगे लेकर चलता हूँ और वो देखो गाइस सामने की तरफ में एक ट्रक भी खड़ा हुआ है। तो चलो गाइस फाइनली वो जो लड़की है ना उसका ट्रक तो मेरे को मिल गया। तो अभी जल्दी से ना इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं अभी क्या सीन है, वो लड़की इस ट्रक के अंदर है या फिर नहीं। वैसे होगी यार, सीधी सी बात है, लेस्टर ने उससे कॉल पे बात कर ली है। तो अभी ना जल्दी से लेस्टर को मैं कॉल करके बोल देता हूँ कि उसको बोल दे कि हम लोग उसके ट्रक के बाहर आ चुके हैं। तो चलो गाइस फाइनली पूरी के पूरे आधे घंटे बाद इस लड़की ने अपनी रिसर्च कंप्लीट कर लिया है। और गाइस यार ये कह रहे हैं कि ना लॉस सैंटोस के अंदर एक वैन है जो कि बेमतलब पूरे के पूरे शहर में ना राउंड लगाया जा रही है, और उस वैन के अंदर एक ऐसा डिवाइस है जो कि आसपास के सारे सीसीटीवी हैक करता हुआ चल रहा है, और जितना भी डाटा है वो सारा का सारा उस चिप के अंदर स्टोर करे जा रहा है। अब यार देखो शायद से ये ना वैन टेररिस्ट की हो सकती है, क्योंकि इस टाइम ना टेररिस्ट को इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। बाकी यार आप लोग यहां पर देख पा रहे हो कुछ इस टाइप का डिवाइस उस वैन के अंदर लगा हुआ, ऐसा ही लड़की कह रही है। बाकी डिवाइस मेरे को नहीं पता, मैं पूरी की पूरी वैन लेकर आ जाऊंगा और बाकी ड्राइवर को बचाने के लिए कर नहीं पड़ेगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम दोनों ट्रक से बाहर आ चुके हैं, और गाइस यार ये लड़की भी हमारे साथ जाने वाली है लेस्टर की फैक्ट्री पर, मेरे को इसे छोड़ना है। अब गाइस यार देखो ये कह रहे हैं कि ना इसको लेस्टर के लैपटॉप की जरूरत है, क्योंकि वो जो डाटा होगा ना उसके अंदर वो सारा का सारा उसी से चेक कर पाएगी। बाकी गाड़ी इसी तरफ खड़ी थी, उधर से कहां से आ रही है। चलो कोई नहीं, अभी जल्दी से यहां पर अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और सीधा निकल लेते हैं लेस्टर की फैक्ट्री के लिए। बाकी यार अगर मैं रोड से जाऊंगा ना तो वो मेरे को उल्टा पड़ जाएगा, एक काम करता हूं अपनी गाड़ी को ना मैं इधर से लेकर ही निकल लेता हूं। बाकी थोड़ा सा मेरे को एकदम संभाल के निकालना पड़ेगा, काफी ज्यादा बिल्कुल जगह ही नहीं है। चलो कोई नहीं, ये वाली जो जाली है तोड़ते हैं। अब यहाँ से बिल्कुल एकदम सीधा रास्ता है फिलहाल यहाँ पर मुझे, हाँ रास्ता बिल्कुल सही है, रास्ता बिल्कुल सही है। अभी हमें कहीं नहीं जाना, बस मुझे अपनी गाड़ी को ना यहाँ पर एकदम आराम से राइट मोड़ना है, और ये आ गई लेस्टर की फैक्ट्री। तो भी जल्दी से एक काम करता हूँ अपनी गाड़ी को मैं यहीं पर खड़ा करता हूँ और ऊपर देख कर आते हैं लेस्टर का लैपटॉप रखा हुआ है या फिर नहीं रखा। वैसे जो लेस्टर का मेन लैपटॉप है उसका तो पासवर्ड किसी को नहीं पता, क्योंकि वो लेस्टर के पास ही रहता है। बाकी जो दूसरा वाला लैपटॉप है वो यहाँ पर जरूर होगा। तो अभी फिलहाल ये भी ऊपर आ रही है, जल्दी से आ जा। अभी फिलहाल यहाँ पर जल्दी अंदर चलते
है तो ओके गाइस, यहाँ पर अच्छी बात है कि लेसर का लैपटॉप भी पड़ा हुआ है और यहाँ पर पेन ड्राइव किस चीज के, चलो कोई नहीं, अभी जल्दी से यहाँ पर उसके आने का वेट करते हैं और देखते हैं एग्जैक्ट लोकेशन है क्या उस जगह की। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल इसने मेरे को उस गाड़ी की एकदम एग्जैक्ट लोकेशन दे दिया है जिसमें से हमें वो डिवाइस चुरा कर लाना है। और वैसे भी मैं उसके अंदर से डिवाइस नहीं चुरा के लाऊंगा, मैं पूरी की पूरी वो गाड़ी चुरा कर ले आऊंगा क्योंकि यार अपने पास इतना टाइम नहीं है। बाकी यार अभी मेरे पास वेपन्स भी नहीं है क्योंकि यार सारे के सारे वेपन्स तो मिलिट्री वालों ने ले लिए थे। अभी मैं सोच रहा हूँ यार अभी वेपन्स वगैरह लेने जाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा क्योंकि यार एम्युनिशन की शॉप जो है ना वो यहाँ पर कहीं पास में नहीं है। अभी फिलहाल एक काम करता हूँ, कोई बंदा बंदा होगा ना उसको मारता हूँ, क्या पता उसके पास कोई पिस्टल वगैरह तो निकल ही जाए। फिलहाल इस तरफ में गैंगस्टर वगैरह रहते नहीं है, यहाँ पर सारे के सारे वर्कर लोग ही रहते हैं, यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे हो। चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल छोड़ो, वेपन सब लोग बाद में खरीदेंगे। अभी फिलहाल वो जो लोकेशन है ना, ओके ये जो वैन है गाइस ज्यादा दूर नहीं है, ये अपने से काफी ज्यादा पास है, तो अभी जल्दी से ना उसके पास चलते हैं। और इसने मेरे को बोला था कि उसको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि हम लोग उसका सामान चुराने आ रहे हैं, यानी कि उसकी वैन चुराने आ रहे हैं या फिर उसका पीछा कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसको शक हो गया ना तो हो सकता है या तो वो अपनी वैन को डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर जो सारा का सारा डाटा है ना वो क्लियर कर देगा, क्योंकि यार टेररिस्ट लोग बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो अभी जल्दी से मैं उसके पास चलता हूँ, बाकी यार मेरे को उसे अपने ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होने देना है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को बहुत ज्यादा तेज भगाते भगाते उसी जगह पर पहुंचने वाला हूँ जहां पर उस बंदे की वैन जा रही है। बाकी यार इस तरफ में तो मेरे को कोई भी वैन नजर नहीं आ रही, यहाँ पर सारी की सारी एसयूवी है। शायद से जो आगे वाला मिनी ट्रक है ना, उस वो लड़की इसी को वैन बोल रही थी, वैसे इसे वैन भी कह सकते हैं। बाकी यार इसको मेरे ऊपर शक नहीं होना चाहिए, इसलिए काम करता हूँ अपनी गाड़ी को ना मैं इससे आगे ले चलता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसका पीछा करूंगा ना तो इसे हमारे ऊपर शक हो जाएगा, बट मैं अपनी गाड़ी अगर इससे आगे चलाऊंगा तो इसको मेरे हिसाब से बिल्कुल भी शक नहीं होगा। तो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर ना काफी ज्यादा आगे आ गया हूँ क्योंकि यार मेरे पास वेपन्स नहीं है और अभी ना वेपन्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल यहाँ पर ना एक लॉस गैंग का बंदा खड़ा हुआ है और ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पर लॉस गैंग के बंदे हमेशा होते हैं, तो इसकी भैंस की एक इसके मुक्का मारता हूँ, इसके पास पिस्टल जरूर होगी तो इसकी एक बारी मैं भर देता हूँ, क्या पता मेरे को एक ना एक पिस्टल इससे जरूर मिल जाए। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मेरे को इस बंदे से पिस्टल तो मिल चुकी है और वो जो वैन है ना मेरे हिसाब से काफी ज्यादा आगे चली गई होगी। अब यार देखो यहाँ पर लॉस गैंग के बंदों की ना कुछ बाइक खड़ी हुई है, जल्दी से ना इन्हीं की बाइक लेकर मैं निकलता हूँ। वैसे यार बाइक तो काफी ज्यादा बढ़िया है तो मेरे को नहीं लगता कि इस बाइक से वहां पर पहुंचने में टाइम लगने वाला है। और ये देखो मैंने लॉस गैंग के बंदे को मारा था ना, तो उसको उठाने के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस भी आ चुकी है। बाकी अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलता हूँ। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर बहुत मजाक हो गया, अब ना मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, अभी मैं दोबारा से पहुंच चुका हूँ सीधा उस वैन के पास। और यहाँ पर ये रहा बंदा, अभी फटाफट से अपनी पिस्टल मैंने बाहर निकाली और सीधा इसके मत्थे पे बजा दी, निकलती रही ऐसे की तैसे यहाँ पर पड़ गई ना इसके। तो चलो यार अभी ना जल्दी से यहाँ पर मैं उतरता हूँ अपनी बाइक से और फटाफट इसको मैं इसकी वैन से बाहर निकालता हूँ, बाकी कहीं जिंदा ना निकल यहाँ से तेरी ऐसे की तैसी। वैसे मैंने गोली तो इसके पहले ही मार दी थी, बाकी यहाँ पर अब मैंने इसके सीधा मत्थे पे मारी, इसको और बुरी तरह मार देता हूँ ताकि इसका कोई भी ठिकाना ना रहे। बाकी वैसे भी हाईवे पर है तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। तो अभी ना गाइस जल्दी से मैं अपनी वैन को लेकर निकल लेता हूँ सीधा उस लड़की के पास जहाँ पर उसने मेरे को ये लेकर बुलाया था। तो चलो गाइस फाइनली मैं अपने ट्रक को फुल स्पीड में भगाता भगाता पहुंच चुका हूँ सीधा अपनी फैक्ट्री पर। तो अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ से मैं लेफ्ट मोड़ता हूँ और अभी सीधा अंदर की तरफ में एंटर करवा देते हैं। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो कि वैन मुड़ने में भी कितना ज़्यादा टाइम लगा रही है, तो आप लोग को अंदाजा होगा कि हाईवे से लाने में से कितना टाइम लगा होगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल पेज फैक्ट्री से बाहर आ चुकी है और इसको हमने पहले बता दिया था कि हम लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, तो यहाँ पर अभी फिलहाल ये भी ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार वो डिवाइस कहाँ पर है। और ये देखो भाई चाकू इसके पास हमेशा रहता है और यहाँ पर उसने वो डिवाइस ढूंढ भी लिया। तो चलो गाइस फाइनली जो चीज हमें ढूंढनी थी वो हमें मिल गई और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है अब। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने उसको वो डिवाइस वापस कर दिया और इस टाइम पर ये जल्दी से जा रही है फैक्ट्री के अंदर और मैंने इसको बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ वेपन्स खरीदने और अगर उस डिवाइस के थ्रू कोई भी इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ती है तो जल्दी से ये मेरे को कॉल करके बता देगी और मैं वापस आ जाऊंगा अपने अगले काम पर। बाकी तो यार अभी ना अपने पास वेपन्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हर जगह यार वेपन्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी फिलहाल सामने की तरफ में एक गाड़ी तो मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया नजर आ रही है और उस टाइम पर ना मेरे पास कोई कार भी है नहीं, तो सर 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 जल्दी से बाहर आ जाओ, इतना टाइम मुंह पे घुसन मारूंगा। तो चलो यार अभी फटाफट से मेरे को बहुत ज्यादा सही कार मिल गई है, अभी फटाफट से अपनी कार को लेकर मैं निकल लेता हूँ एम्युनिशन की शॉप के लिए, वहां से फटाफट से ना कोई बढ़िया गन लेकर आते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से मैं अपनी कार को लेकर पहुंच चुका हूँ सीधा एम्युनिशन की शॉप पर और पीछे काफी ज्यादा बढ़िया बाइक गई थी, बाइक मेरे को चाहिए, एक सेकंड रुक जाओ, सीधा इसके पड़ी पीठ पे गोली और ये बाइक इस टाइम पर अपनी हो जाएगी। वो शायद से कुछ इस टाइप की बाइक मैंने उस जगह पर देखी थी। अभी फिलहाल ये बाइक इतनी भी ज्यादा बढ़िया नहीं यार, इसकी लुक ही लुक अच्छी है बस देखने में, मेरे को तो नहीं लगता कि जो बाइक है उतनी ज्यादा बढ़िया चलने वाली है। अभी जल्दी से अपनी बाइक को मैं पीछे मोड़ता हूँ, वैसे बेकार भी नहीं कह सकते, तो भी जल्दी से अपनी बाइक को यहाँ पर खड़ा करते हैं, फटाफट अंदर से मैं कुछ गन्स वगैरह खरीद के लाता हूँ फिर अपनी बाइक को लेकर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो चलो भाई साहब मेरे को इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ अपनी एक M416 चाहिए और यहाँ पर इसके साथ एक्सटेंडेड क्लिप चाहिए, ग्रिप चाहिए, फ्लैश लाइट चाहिए और साथ के साथ इसकी वाली मेरे को फिनिश भी चाहिए, वैसे गोल्ड टिंट ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी भी मेरे को कोई भी गन नहीं चाहिए, एक स्नाइपर भी मेरे को चाहिए, तो ये वाली स्नाइपर मैं बाय करता हूँ। इसका एडवांस स्कोप चाहिए, साथ में ग्रिप चाहिए, टिंट भी चाहिए मेरे को गोल्ड वाला, एक सेकंड ये रहा गोल्ड
वोल्टेन, चलो भाई अभी बहुत है, अपने पास वेपन्स हो चुके हैं। फिलहाल अंदर की तरफ में यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, और ये ऑफिस में मैं नहीं जा सकता, ऑफिस लॉक्ड है, और यहाँ पर बंदे ट्रेनिंग वगैरह भी करने आते हैं। चलो गाइस यार आज हम भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करते हैं जब तक उसका कॉल नहीं आता। तो चलो गाइस अभी फिलहाल अपना मैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, वैसे मैच नहीं ये अपनी एक टाइप से आप प्रैक्टिस बोल सकते हो। बाकी यार ये तो अपने लिए कुछ ज्यादा ही सिंपल सा मेरे को लग रहा है, बट जब पीछे की तरफ में आएंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। तो चलो कोई नहीं, अपना थोड़ा बहुत यहाँ पर एम इंप्रूव कर लेते हैं बैठे बैठे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मेरे को उसका कॉल आ चुका है और उसने मेरे को अभी जल्दी से आने के लिए बोल दिया। तो अभी फटाफट हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, और इस टाइम पर ना गाइस सामने की तरफ में एक सोडा का है, सोडा नहीं है इसे आप स्प्रंग या स्प्राइट कह सकते हो अपनी भाषा में। तो अभी जल्दी से ना यहाँ पर सोडा पीते हैं और फटाफट से गाइस अभी मैं अपनी बाइक लेकर जाने वाला हूँ उसी जगह पर वापस, और देखते हैं क्या सीन है। तो चलो सर बाय बाय, वेपन्स वगैरह तो सब मैंने ले लिया, एक आर्मर भी ले लेता हूँ, जाते जाते अपनी सिक्योरिटी रहेगी। तो चलो यार अभी मतलब सिक्योरिटी नहीं सेफ्टी, तो अभी जल्दी से हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। बाकी अपनी बाइक यहाँ पर किसने खड़ी करी, बाइक तो मैंने पीछे गिरा दी थी ना शायद से, पता नहीं यार यहाँ पर बाइक किसने खड़ी करी। खैर छोड़ो जो भी है, अभी जल्दी से मैं वापस चलता हूँ सीधा उस लड़की के पास। एक काम करता हूँ, वापस जाने की जरूरत नहीं है, कॉल पर ही बात कर लेता हूँ, पूछते हैं क्या सीन है। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर उस लड़की से बात हो गई है, और गाइस यार वो कह रहे कि ना एक आइलैंड है वहाँ पर ना एक बंदे की लोकेशन ट्रैक हुई है, और वो शायद से ना टेररिस्ट का हैकर है, और पता नहीं यार उसके पास ना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो वो लड़की कह रही है कि ना हमें कुछ भी करके उसे पकड़ना ही पकड़ना है, क्योंकि अगर एक बार हमने उसे पकड़ लिया ना तो हम लोग टेररिस्ट का प्लान फेल करवा सकते हैं। बाकी यार ये जो काम है ना मेरे हिसाब से मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि वो लड़की कह रही है कि अगर वो वहां पर है तो काफी ज्यादा सिक्योरिटी होगी। बट यार दिक्कत की बात पता है मेरे को क्या लग रही है, कि आपको याद होगा कि अभी हम लोग लास्ट टाइम भी उस जगह से एक टेररिस्ट को पकड़ कर लाए थे, बट आज वहां पर उसी आइलैंड पर एक टेररिस्ट का हैकर है। बाकी यार अभी ना मेरे को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी जल्दी से ना मैं अपनी बाइक को लेकर निकल लेता हूँ सीधा उसी जगह पर। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक को कुछ ज्यादा तेज भगाते भगाते उसी जगह पर पहुंच चुका हूँ जहां पर वो आइलैंड पर जाने का रास्ता है। बस फटाफट से ना अपनी बाइक को यहाँ से मेरे को लेफ्ट टर्न लेना है, और अभी जल्दी से मैं से नीचे लेकर चलता हूँ। गाइस यार मेरे को ना जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचना है और देखना है कि आखिरकार वहां पर कौन बंदा है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जिस टेररिस्ट को पकड़ा था ना वो तो काफी ज्यादा ईमानदार लग रहा था, उसने मेरे को बोला था मुझे छोड़ दो, आज के बाद वो हमें इन सब चीज में दिखेगा भी नहीं। अभी जल्दी से अपनी बाइक को यहाँ पर मैं नीचे लेकर चलता हूँ, क्योंकि गाइस यार अभी ना वहां पर पहुंचने का एक यही रास्ता है जल्दी से जल्दी, बाकी अगर पैदल जाऊंगा तो फालतू में टाइम वेस्ट होगा। तो चलो यार अभी जल्दी से मैं अपनी बाइक को लेकर इधर आ चुका हूँ, जल्दी से अपनी बाइक को मैं यहाँ पर रुकता हूँ। गलती से ना एक यहाँ पर पीछे पंछी था जिसके लग गई गलती से, तो रियली सॉरी मेरे भाई। अभी फटाफट से यहाँ से मैटता हूँ, तेरी भैंस की टांग हटे यहाँ से, बच गया वरना अभी इसकी बहुत बुरी तरह पड़ती। उत्तरी भैंस की इसकी मार रहा है मेरे को, तेरा लगी भी नहीं है भाई फिर भी मार रहा है, एक मिनट रुक जाओ इसके पड़ेगा, निकल यहाँ से मेरे को मारेगा। तो चलो यार अभी ना फिलहाल मैंने उसके तो हेडशॉट मार दिया, अभी जल्दी से मैं चलता हूँ आगे की तरफ में। कौन सा आइलैंड था यार यहाँ पर, वो आइलैंड मेरे को नजर नहीं आ रहा। ओके ओके ओके, तो गाइस ये है वो आइलैंड, तो जल्दी से ना भी गाइस मेरे को यहाँ पर चलना है। एक काम करता हूँ इधर से नहीं जाऊँगा मैं, ना पूरा पीछे की तरफ से घूम कर आता हूँ, ताकि ना ये लोग मेरे को ढंग से देख भी ना पाए। वैसे यार अगर मैं यहाँ से जाऊँगा ना तो उनको शायद मैं पीछे से धप्पा कर दूँ। बाकी यार आइलैंड तो यही है ना, ओके 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 गाइस आइलैंड तो यही है। अभी ना जल्दी से मैं अपनी जेट्स की को यहीं पर रखता हूँ, बस 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 ज़्यादा नीचे मत जा, वापसी भी तेरे पे ही बैठ के जाऊँगा मैं। अबे यार मेरा पैर ही फिसल गया। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं पानी के थोड़ा बहुत ऊपर आकर खड़ा हो चुका हूँ, और अभी अभी ना मेरे को उस लड़की का कॉल आया था, और गाइस यार वो कह रहे कि जिस बंदे को हमें वहाँ से पकड़ कर लाना है ना, यानी जो यहाँ पर हैकर है उसका नाम है एवी। अब पता नहीं यार उस तक मैं कैसे पहुँचूंगा, क्योंकि शायद से ना मैं थोड़े से गलत आइलैंड पर आ गया हूँ। जिस आइलैंड पर मेरे को जाना है वो ये नहीं है, वो सामने वाला आइलैंड है। बट उत्तरी यहाँ पर तो सामने सिक्योरिटी भी है, बट ये कैसी सिक्योरिटी है, एक सेकंड ये तो मेरे को, ओ भाई यहाँ पर तो ये सारी की सारी लेडीज पुलिस ऑफिसर्स हैं। एक सेकंड यार शायद से ना मैं कोई गलत फहमी हो गई है, बट ये लोग यहाँ पर किस चीज़ की सिक्योरिटी कर रहे हैं, एक सेकंड ये सारे के सारे ना फेक हैं। तो भी ना इनको मैं बहुत ही बुरी तरह मारने वाला हूँ, निकलो यहाँ से। अभी फिलहाल मेरे पास स्नाइपर थी इसलिए मैंने सबको बहुत ही बुरी तरह डाउन कर दिया। तो मेरे हिसाब से ना यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी थी, बट मैंने ना एक गलती कर दी, कहीं ऐसा ना हो कि वो जो हैकर है ना भाग जाए जैसे पहले भागा था। बट यार ये वो बंदा नहीं है, वो बंदा यार सच्ची में एकदम ही शरीफ था, और उसका तो यार मुंह भी तोड़ दिया था हमने। तो भी जल्दी से एक बार मैं सामने वाले आइलैंड पर चलता हूँ। बाकी यार यहाँ पर पानी से कोई रास्ता वास्ता तो नहीं है ना, कहीं पता चला एकदम अंडरग्राउंड हो गया वो यहीं से। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं इस वाले आइलैंड के ऊपर भी आ चुका हूँ। लास्ट टाइम ये जो मतलब झोपड़ी है इसमें पूरा का पूरा ब्लास्ट हो गया था, लेकिन ये वापस से कैसे ठीक हो गई इतनी जल्दी। और एक सेकंड यहाँ पर सामने से किसी ने तो गोलियां मारी, और भाई यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गोलियां चलने लगी। एक मिनट यहाँ पर कुछ खतरनाक सीन है। ओके तो ये लोग सामने से आ गए हैं, और इतनी ज्यादा घास फूस है ना इसलिए कुछ भी ढंग से नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल ये जगह मेरे को थोड़ी बहुत बढ़िया लग रही है, यहाँ पर ये लोग मेरे को ढंग से नहीं देख पाएंगे, बट मैं इनको देख देख के इनका मुंह जरूर तोड़ दूंगा। अभी फिलहाल एक काम करता हूँ अपनी स्नाइपर निकालता हूँ, ये रे बंदे निकल यहाँ से, एक गया और ये रहा दूसरा, तू भी निकल यहाँ से। तो गाइस यहाँ पर ना एक हाथ मेरे क्लोज भी आ गया, चलो कोई नहीं यहाँ पर इनका भी मुंह तोड़ते हैं। अभी फिलहाल बहुत सारे मेरे क्लोज आ गए थे, अच्छा हुआ कि सही टाइम पर मैंने अपनी स्नाइपर हटा दी।
बाकी भी जल्दी से यहाँ पर मैं राइट साइड से चलता हूँ इनको मारने के लिए। यार एक सेकेंड, यहाँ पर भी एक बंदा है। अच्छा यही मरने के बाद मेरी गोलियां मार रही है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया। और वैसे ये गाइस पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, सारे के सारे फेक पुलिस ऑफिसर है। और यहाँ पर जो मेरी M416 है गाइस उसकी सारी की सारी एमो खत्म हो चुकी है। मतलब यार अभी आपको पता ही चल गया कितना गलत सीन है। अभी जल्दी से यहाँ पर मैं इनकी M416 उठाता हूँ और यहाँ पर इसके बचाता हूँ। चलो यार बहुत सही। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर जितने भी थे ना मैंने ऑलमोस्ट सभी को मार दिया। फिलहाल सामने की तरफ से एक और आ गई, चल बे तू भी निकल यहाँ से। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इनको मार के इनका खेल खत्म कर दिया है। और एक इसके पीछे छुप कर बैठी हुई थी। तो चलो गाइस अभी फिलहाल सारी की सारी मर चुकी है। और यहाँ पर अंदर लैपटॉप है। एक सेकंड, ओ यहाँ पर ये बंदा छुपा हुआ है अंदर। इसकी भैंस की टांग, ये बंदा है मेन जो उनका हैकर है टेररिस्ट का। तो अभी इसका पहले तो मुंह तोड़ना पड़ेगा। तेरी भैंस की टांग, वापस चुपचाप यहाँ से बाहर निकल ले। तो देख भाई अगर तूने कोई भी चलाकी करी ना तो ये गोली सीधा तेरी आंख में जाएगी, ठीक है? तो चल अब चुपचाप मेरे पीछे पीछे आ जा। और गाइस यार यही है वो बंदा जिसकी लोकेशन हमने डिटेक्ट करी थी और इसी का नाम है एवी। भाग कर आ रहा है, नहीं आ रहा, चुपचाप भाग कर आ। अभी जल्दी से हम लोग यहाँ पर बैठते हैं अपनी बोट में और फटाफट से निकल लेते हैं सीधा इसको लेकर। उस लड़की ने एक लोकेशन दिया है, वहां पर हमें इसे लेकर पहुंचना है। और वो शायद से ना वहां पर पहुंच गया है। अब वो भी काफी ज्यादा दिमाग वाली है, कहीं इसके ऐसे टेररिस्ट दोस्त ना हो जो कि इसे इधर उधर लेकर चले जाए। भाई बोट में आके बैठ, ऊपर कहां जा रहा तेरी भैंस की टांग। एक सेकंड, पहले मैं बोट में बैठता हूँ फिर इसको मैं बोलता हूँ आने के लिए। ये उधर कहाँ चला गया बे? तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर ये भी भाग कर आ चुका है बोट में बैठने के लिए। जल्दी से बैठ जा अभी बोट के अंदर और फटाफट से मैं अपनी बोट को यहाँ पर मोड़ता हूँ। और गाइस सर जो मेरी जेट्स की थी वो मैंने आगे वाले आइलैंड पे खड़ी करी थी। तो एक काम करता हूँ अपनी ना जेट्स की मैं जल्दी से लूंगा, क्योंकि यार इस बोट से जाने में तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। और वैसे अगर मैं बाइक से जाऊंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, बट जिस जगह पे मेरे को जाना है ना वहाँ पर एक रिवर जाती है, तो शायद से अगर मैं उस रिवर में से जाऊंगा तो काफी जल्दी पहुंच जाऊँ। बाकी ओके, तो मेरी जेट्स की मिल गई, अब तो मैं इसी से जाने वाला हूँ। तो जल्दी से यहाँ पर अपनी बोट को मैं इधर खड़े करता हूँ। और सुन ले बे, तू मेरे साथ ही चलेगा, कोई भी चलाकी मत करियो, जल्दी कूद। अबे तेरी भैंस की टांग इतनी धीरे, बहुत ज्यादा स्लो है यार। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं भाग कर आ गया हूँ अपनी जेट स्की में बैठने के लिए। और जल्दी से ये भी आ गया और इसको मैंने साफ बोल दिया, अगर अब तू इतनी स्लो एक्टिंग करेगा ना, मतलब जान मुझ के मेरे को ऐसा लग रहा है स्लो स्लो चल रहा है। क्योंकि जब इसने देखा था ना मैं आ रहा हूँ तब तो बहुत तेज भागने जा रहा था, बट वो तो सही टाइम पर मैंने इसे पकड़ लिया। और बाकी भी जिस जगह पर हमें जाना है ना, जहां पर हमें लड़की ने आने के लिए बोला है वो गाइस ये जगह है। तो भी मैं क्या कर रहा हूँ, जेट स्की से जाऊंगा। यहाँ पर एक काफी ज्यादा लंबी, आपको दिख रहा होगा कि रिवर गई हुई है, तो यहाँ पर काफी बड़ा तालाब है। तो यहाँ से हम लोग एक गाड़ी पकड़ लेंगे, अगर पानी से जाएंगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, वरना बाइक से जाएंगे तो इतने बड़े बड़े माउंटेन है, बहुत टाइम लग जाएगा पहुंचने में। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रही हूँ कितनी ज्यादा बढ़िया जगह है। मतलब यहाँ के जो नजारे हैं वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। सामने इतने बड़े बड़े माउंटेन और इतनी ज्यादा प्यारी रिवर। तो भी जल्दी से मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ और आगे की तरफ में तो और भी ज्यादा बढ़िया नजारे हैं। तो भी जल्दी से ना यहाँ पर मैं अपनी जेट स्की को ऊपर चढ़ाता हूँ। ओ भाई क्या मस्त लुक आ रही है। और फिलहाल इधर ना काफी सारे बंदे टूर पे भी आ रखे हैं, पीछे भी मेरे को एक वैन दिखी थी। और यहाँ पर सामने बंदे अपना कैंप लगा के फिशिंग कर रहे हैं। तो गाइस आप में से किस किसने ऐसा रियल लाइफ में भी ऐसा टूर करा है जल्दी से कमेंट में जाकर जरूर बताना। तो भी जल्दी से अपनी जेट स्की को मैं राइट में मोड़ता हूँ और सामने की तरफ में काफी ज्यादा बढ़िया, और काफी ज्यादा बड़ा तो नहीं कह सकते, छोटा ही है, एक वाटरफॉल है, बट काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो भी वाटरफॉल के नीचे से तो हम लोग जा नहीं पाएंगे। तो एक काम करता हूँ यहाँ से मैं अपनी जेट स्की को लेकर चलता हूँ। अरे आराम आराम से। ओ भाई इधर तो एक ट्रेन एक्सीडेंट। ओके ये वही वाला ट्रेन एक्सीडेंट है जो कि ट्रेवर ने करा था। और भाई आज तक इस वाली ट्रेन को यहाँ से हटाया नहीं है क्या? पता नहीं यार ये लोग कब हटाएंगे। फिलहाल ये जो ब्रिज है भाई इसका तो बुरा हाल हो गया था उस वाले एक्सीडेंट में। चलो कोई नहीं, फिलहाल फालतू की बात है बाद में, अभी जल्दी से अपनी जेट स्की को लेकर चलते हैं सीधा उस जगह पे। तो चलो गाइस फाइनली मैं अपनी जेट स्की को लेकर पहुंच चुका हूँ इस वाले विलेज में। फिलहाल सामने की तरफ में मेरे को एक काफी ज्यादा बढ़िया गाड़ी नजर आ रही है। तो भी जल्दी से मैं अपनी जेट स्की को वहां तक लेकर चलता हूँ। और ये जमीन पर भी आ गई, क्या है यार कितनी सही है। तो भी जल्दी से ना यहाँ पर इस वाले ट्रक के, इसे मॉन्स्टर ट्रक नहीं कह रहा, यहाँ पर ये अपनी काफी ज्यादा बढ़िया ऑफ रोड व्हीकल है। तो भी जल्दी से इसके अंदर बैठते हैं और चुपचाप बैठे रहिए, बुड्ढा बहुत मारूंगा। वैसे बुड्ढा नहीं है, इसने बुड्ढे जैसा बेस कर रखा है, क्योंकि यार एक बुड्ढा बंदा इतनी ज्यादा तगड़ी हैकिंग कैसे कर सकता है। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर बंदों के खेत खराब करता करता एक शॉर्टकट मारने के चक्कर में मैं उसी जगह पर पहुंचने वाला हूं जहां पर उस लड़की ने मेरे को मिलने के लिए बुलाया था। तो चलो यार कोई नहीं, भी फटाफट से अपनी गाड़ी को ना यहां से मैं राइट मोड़ता हूं। और एक काम करता हूं अपनी गाड़ी को ना गाइस मैं यहीं पर खड़ा कर देता हूं। और सुन बे तू मेरे साथ आगे चलेगा पैदल, ठीक है? गाड़ी में तेरे को लेकर नहीं जाऊंगा, कुछ ज्यादा ही सेठ बन रहा है यहां पर, फुल चोड़ में बैठा हुआ, डर तो बिल्कुल है ही नहीं। चुपचाप जल्दी जल्दी आ गया, देखते हैं गाइस अभी इसका क्या करना चाहिए। बाकी बंदा तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ओए आराम आराम से, ठीक है? कोई भी चलाकी नहीं, जल्दी से आगे, अभी देखते हैं क्या सीन है। फिलहाल वो लड़की यहीं पर थी, उसको कॉल करके बुलाता हूं गाइस एक बारी। तो की गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर पेज हमसे पहले इस जगह पर पहुंच गई थी और इसीलिए इसने हमें इस जगह पर आने के लिए बोला। बाकी तो यार यहां पर आप लोग देख पा रहे हो इस बंदे को हमने इसके हवाले कर दिया है, बाकी जो आएगा काम है ये खुद करेगी इसको टॉर्चर करके। तो चलो यार कोई नहीं, अभी फटाफट से हम लोग भी यहां से निकल लेते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर पेज उसको लेकर जा चुकी है, अभी फटाफट मैं भी यहां से निकल लेता हूं। बाकी अभी ना मेरे को लेस्टर कॉल आया है, लेस्टर कह रहा है कि ना जल्दी से लॉस सैंटोस आ जाओ, एक चीज और पता चल गई है। तो भी जल्दी से हम लोग वहां पर चलते हैं और देखते हैं लेस्टर का क्या कहना है। लेस्टर मेरे को ना इस टाइम लग नहीं रहा किसी सही काम के लिए अपने पास बुला रहा है, क्योंकि आपने देखा
देखा था लेसन ने काफी ज्यादा बियर पी रखी है और उसका दिमाग यार बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। तो चलो गाइस फाइनली मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूं सीधा लॉस सैंटोस। अभी फिलहाल मैं जाने वाला था एक्लिप्स टावर यानी लेसन के पास, बट अभी ना बीच रास्ते मुझे पेज का कॉल आया और गाइस सर वो कह रहे कि जिस टेररिस्ट हैकर को हमने पकड़ा था ना उसको मार मार के सारे सीक्रेट्स पता करवा लिए हैं टेररिस्ट के। और गाइस सर देखो वो कह रहा है कि ये जो टेररिस्ट है इनका बहुत ज्यादा बड़ा प्लान है क्योंकि आज ना प्रेसिडेंट की स्पीच है और इसी स्पीच में ना वो लोग उसके ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं और उनकी एक जगह जहां पर वो सारे के सारे बैठे हुए हैं। लेकिन ना वो अटैक करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही दम पर क्योंकि उनके पास ना सीसीटीवी सारे हैक कर रखे हैं। तो जिस चीज से वो हैक हो रखे ना जिस सर्वर के अंदर है वो सर्वर हमें अगर चुरा लिया हमने तो फिर हम कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज तो यार फिर बचाना मुश्किल है। अब यार देखो प्रेसिडेंट के पास भी काफी ज्यादा मिलिट्री वालों की सिक्योरिटी होगी बट यार इस टाइम ना प्रेसिडेंट को खतरा है ही नहीं, इस टाइम खतरा है पूरी की पूरी उस जगह को क्योंकि उनका मेन प्लान है वहां पर बॉम्ब प्लांट करना। अगर वहां के वो सारे के सारे सीसीटीवी बंद कर देंगे ना तो फिर वो लोग कभी भी आके बॉम्ब प्लांट कर देंगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। और अगर हमने उनका सर्वर चुरा लिया तो फिर वो लोग सीसीटीवी बंद नहीं कर पाएंगे और फिर अगर बंद ही नहीं होंगे सीसीटीवी तो वो फिर चुपचाप बॉम्ब प्लांट ही नहीं करेंगे। अगर वो बॉम्ब प्लांट करेंगे तो हमें साफ साफ नजर आ जाएगा, तो सीधी सी बात है। इसलिए ना अभी जल्दी से उनकी लोकेशन पर चलता हूं और ये वाली वैन मेरे को उस लड़की ने ले जाने के लिए बोला है और उसका जिगाड़ उसने करवाया है। तो अभी जल्दी से हम लोग यहां पर इस वैन को मोड़ते हैं और वैसे वो जो जगह है ना यहां से ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा पास में है। अभी फटाफट से वहां पर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। अभी मेरे हिसाब से वहां पर ना थोड़ी बहुत टेररिस्ट की सिक्योरिटी भी होगी तो मुझे हो सकता है उसे भी मारना पड़े। यार फ्रैंकलिन भी अपना वहां पर परेशानी में है, सोच रहा था कि फ्रैंकलिन को भी साथ में ले आऊं बट चलो अभी कोई नहीं, अगर अभी लेने जाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, अभी ये जो काम है मेरे को अकेले ही करना पड़ेगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी वैन को लेकर उस जगह पर पहुंचने वाला हूँ। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो पूरा का पूरा रेड कारपेट लगा हुआ है, लग रहा है आज कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी यहाँ पर आने वाला है। बाकी अभी ना थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अभी फिलहाल इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। मुझे इसी जगह के अंदर एंटर होना है क्योंकि उस लड़की ने मेरे को यही लोकेशन दिया है। बाकी यार इस तरफ में तो मेरे को कोई भी टेररिस्ट नजर नहीं आ रहा है, एक काम करता हूं अपनी वैन को ना, ओ भाई साहब अंदर की तरफ में तो काफ़ी सारे टेररिस्ट हैं और एक टेररिस्ट ऊपर खड़ा हुआ है। अपनी वैन को गाइस यहीं पर खड़ा करता हूं, फटाफट से अपनी स्नाइपर बाहर निकालता हूं, जो भी तेरी भैंस निकल यहां से, मेरे को मारेगा तू यहां पर, मैं इसको मारा नहीं ये मेरे को पहले मारने जाता। और फिलहाल पीछे से भी काफी सारे बंदे आ गए और यहां पर तो गाइस काफी सारे बंदे, निकल यहां से, आगे मैं जाऊंगा इन्हें बिल्कुल भी क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं आगे गया ना तो यार ये लोग मेरे को बहुत ही बुरी तरह मारने वाले हैं। इसलिए गाइस सर अभी ना फिलहाल मैं बहुत ज्यादा संभल संभल के इन लोग से फाइट लेने वाला हूं। मेरी वैन मत तोड़ देना, वैन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सामान है। फिलहाल ऊपर की तरफ से भी काफी सारे बंदे आ गए, एक सेकंड गाइस अभी मैं पीछे की तरफ निकलता हूं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल वहां से भागकर मैं काफी ज्यादा आ गया हूं, जल्दी 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 यार ये कैसी गाड़ी है, इसमें भी लॉक लगा रखा है 2 रुपए की गाड़ी में। अभी फिलहाल टेररिस्ट सामने से भाग कर तो आ गए हैं, अभी जल्दी से स्टार्ट हो जा भाई, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। चलो कोई नहीं, अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर यहां से निकलता हूं। भाई बहुत ही ज्यादा गलत सीन होगा, पीछे काफी सारे टेररिस्ट हैं यार, इन लोग को ना मेरे ऊपर शक हो गया। अभी ना जल्दी से वो जो वैन है ना मेरे को उसका जुगाड़ करना ही पड़ेगा। अभी फिलहाल ना उसी जगह पर मैं पीछे वाले रास्ते से आ गया और यहां पर एक टेररिस्ट और था। अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को इधर खड़े करता हूं, सामने की तरफ में गाइस और भी बहुत सारे टेररिस्ट हैं। एक टेररिस्ट जो है ना सामने वाले टावर पे खड़ा हुआ है, इसका तो मुंह तोड़ूंगा, निकल यहां से, इसको मैंने मार दिया। और एक और है, तू भी निकल यहां से। तो चलो भाई यहां पर भी एक है, तू भी निकल। तो चलो भाई अभी फिलहाल यहां पर मैंने इन सबको तो मार दिया, सामने की तरफ से और भी बंदे भाग कर आ रहे हैं। वो तो अच्छी बात यह है कि पेज से मैंने काफी सारे वेपन्स ले लिए थे, वरना यार अपने को बहुत ज्यादा दिक्कत आती। सही टाइम पर उसने भी मेरे को वेपन्स दे दिए क्योंकि अभी यार जरूरत बहुत ज्यादा पड़नी थी। और वो देखो यार उस तरफ से भी टेररिस्ट आ गए यार, यहां पर तो बहुत ज्यादा गलत सीन हो रखा है। एक सेकंड यार यहां पर मैं क्या करूं, उधर से और टेररिस्ट तो नहीं आ रहे ना यार, एक तो इनके ना आर्मर बहुत ज्यादा। ओ भाई यहां पर 1 2 3 4 5 सारे आ गए हैं, मेरे पास बॉम्ब है ना। चलो यार अभी फटाफट से यहां पर एक मैंने बॉम्ब डाला, ये मैंने करा ब्लास्ट। चलो बेटा सारे के सारे निकलो यहाँ से। अभी यार देखो मेरे को ना ज्यादा इधर ब्लास्ट नहीं करने हैं क्योंकि इनमें से ना कहीं पर एक वैन खड़ी है जिसके अंदर वो सारा का सारा डेटा है जो कि मेरे को लेकर जाना है। अब पीछे की तरफ में जो टेररिस्ट है ना इनको भी मैं मारता हूँ, भाई बहुत ज्यादा गलत हिसाब हो गया है। तो भाई अभी ना फिलहाल सामने की तरफ में एक बंदा है जो कि मारता है और सीधा अंदर हो जाता है। अब झांक बेटा तेरा मैं मुंह तोड़ दूंगा यार, टेररिस्ट ना एकदम अलग इधर निकल यहाँ से, बहुत देर से पंगे ले रहा है मैं इसे देख रहा हूँ। अभी फिलहाल मेरे हिसाब से मैंने सारे बंदे तो नहीं मारे यार, यहाँ पर अभी भी काफी सारे बंदे बचे हैं, निकल यहाँ से। तो चल, ओ भाई नहीं 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 अभी तो आगे जाने लायक बिल्कुल भी नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है गोलियां मार मार के पूरी पूरी दीवार ही गिरा देंगे। तो गाइस अभी ना फिलहाल मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ से भाग जाऊँ या फिर सरेंडर कर लूँ। अब यार देखो सरेंडर तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला, यहाँ पर जितने भी बंदे मेरे गोलियां मार, ओ भाई ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, निकल यहाँ से तेरी ऐसे की तरह से, पिछवाड़े पे गोली मारी है ऊपर से कुछ, अभी भी जान है। तो गाइस देखो बिना फिलहाल यहाँ पर जितने भी बंदों को गोली मारती ना सारे के सारे उठ के अभी भी लड़ रहे हैं यार, कितनी जान है तुम लोग के अंदर, कितनी गोली मारूं, एक एक बंदे के ना 50-50 गोलियां सिर्फ हेड पे ही मारूं। इधर आती है ऐसे की तरह, निकल यहाँ से, पूरा का पूरा मुंह ही तोड़ डालूंगा, बट दोबारा मत उठियो इस चीज़ के बाद। तो चलो अभी फिलहाल मेरे हिसाब से सारे बंदे मर चुके हैं, इसका हाथ अकड़ गया, निकल यहाँ से। तो चलो अभी फिलहाल धीरे से आगे चलो, ऊपर यहाँ पर अभी भी बंदे हैं, तेरी भैंस की, भाई इस पर पड़ी नहीं रही,
तो चलो गाइस अभी फिलहाल तुम्हारे भाई ने यहाँ पर सबका खेल खत्म कर दिया। सामने की तरफ में एक बंदा हो रहा है, इसके भी पड़ेगी बहुत बुरी वाली। चल बेटा निकल यहाँ से। अभी यहाँ पर एक बंदा इधर भी है, तू भी निकल यहाँ से। वो सामने वाले की हेडशॉट पड़ा है फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ, तेरी भैंस की, निकल यहाँ से। अब सीधा चेस्ट पे मारा है और ऊपर वाला भी उठ गया होगा सबसे। नहीं नहीं, ऊपर वाले ने बेचारे ने हेलमेट नहीं पहना था शायद, इसलिए वो मर गया। तो गाइस अभी ना यहाँ पर इनकी वैन खड़ी है, मेरे को सबसे पहले ये देखना है। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर इनकी वैन तो खड़ी हुई है, बट अभी भी किसी ने गोलियां तो मारी है, बट कहाँ से मारी कुछ नहीं पता। एक बार ना चुपचाप मैं इधर से खड़े होता हूँ। कहाँ पर अबे बाहर निकल तेरी भैंस की। यहाँ पर वो देखो कहाँ चढ़ के बैठा हुआ है, तुम्हारी भैंस का मेरे को मारेगा तू। तो चलो अच्छा हुआ कि इसने अभी गोली चला दी, अगर बाद में गोली चलाता तो गड़बड़ हो जाती। और एक बंदा यार तू भी निकल। ओ ओ एक सेकंड यहाँ पर इसके पड़ी नहीं है अब, लेकिन इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। पीछे 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 निकल यहाँ से, बाय बाय। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर सबका खेल तुम्हारे भाई ने खत्म कर दिया है। कोई बचा है क्या बेबी? अरे कितने बंदे हैं इधर, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। ओ भाई साहब एक बंदा यहाँ पर भी छुप के बैठा हुआ है, किसी डब्बे के अंदर घुसेड़ दूंगा मैं। तो चलो अभी यहाँ पर, ओ भाई बाहर भी बंदे हैं, कितने हो बे? एक सेकंड यार, अभी मेरे को नहीं लगता कि ये लोग खत्म होने वाले हैं, छोड़ो इन सबको। अभी फटाफट से गाइस मैं अपनी वैन में बैठता हूँ, जल्दी से अपनी वैन को आगे लेकर चलते हैं। वैन की भी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, कम से कम मेरे को इधर लग रहा है ऐसे मैंने 100 टेररिस्ट तो मारे हैं, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी। और यहाँ पर भाई कसम से मरते मरते बचाऊँ। अभी फिलहाल अपनी वैन भी इधर अटक चुकी है। एक सेकेंड यार, मेरे को ना वाली गाड़ी उधर करनी पड़ेगी। अपने हाथ में ना मेरे को गन रखनी रखनी है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी बंदा जिंदा हुआ उसने मेरे पीछे से शॉटगन या फिर कोई भी गन आके झटके से मार देना तो मैं मर सकता हूँ। अभी फिलहाल जगह तो मैंने थोड़ी सी बना लिया जाने के लिए। और यहाँ पर आप लोग ये देख पा रहे हो कितने अलग टाइप की टेररिस्ट है, सारे के सारे मुंह पे सबने कपड़ा लपेट रखा है। फिलहाल इसकी शक्ल भी मेरे को नहीं नजर आ रही यार, ये वो वाले टेररिस्ट नहीं थे जिनसे अपनी फाइट चल रही है, ये सारे अलग टेररिस्ट हैं। और जहां पर मैं शायद से पहले अटैक करने गया था ना, उनकी ब्राउन ड्रेस थी या पता नहीं यार क्या सीन है, कितने टेररिस्ट हो चुके हैं। तो चलो भाई अभी फिलहाल मैं भी अपनी वैन लेकर इधर आ गया हूँ, जल्दी से ना अपनी वैन का डाटा उसकी वैन का डाटा अपनी वैन में करते हैं फटाफट से। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपनी वैन का भी गेट खोल दिया है और यहाँ पर जो इनकी वैन थी उसका भी गेट खोल दिया है। और ये देखो यार यहाँ पर इन्होंने कितना सारा डेटा सेव कर रखा है, यहाँ पर इतने सारे सर्वर बना रखे हैं भाई इतनी छोटी सी वैन के अंदर। भाई पता नहीं यार क्या ही सीन चल रहा है इस टाइम पर लॉस सैंटोस में, बट अभी अच्छी बात यह है कि अपना इतना काम भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, जल्दी से मैं अपनी वैन में बैठता हूँ और फटाफट से ना गाइस अपनी वैन को लेकर निकल लेते हैं सीधा उस जगह के लिए। बाकी यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर सब कुछ सीन एकदम बढ़िया हो चुका है यार। उस टाइम पर अगर अपनी वो जो छोटी वाली गाड़ी मेरे को ना मिलती ना तो मेरे को तो लग रहा है जो टेररिस्ट है ना मेरे को भगा भगा के मारते। बाकी यार अभी ना फटाफट से मैं इसी वाले रास्ते से अपनी गाड़ी को लेकर निकल लेता हूँ। अभी जल्दी से मेरे को अपनी गाड़ी यहाँ पर मोड़नी है और तेरे को ज्यादा जल्दी और तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं, इतना कम टाइम है वैसे भी हमारे पास। अभी गाइस जल्दी से ना इस वैन को लेकर पहुंचना सीधा उस लड़की के पास और देखते हैं आखिरकार वो क्या करती है। तो चलो गाइस फाइनली मैं अपनी वैन को एकदम शॉर्टकट रास्ते से भगाता लेस्टर की फैक्ट्री पर पहुंचने वाला हूँ और देखते हैं यहाँ पर अभी पेज पहुंची है कि नहीं पहुंची। वैसे उसने बोला था कि वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, अब देखते हैं हमें आगे क्या करना है। तो चलो गाइस अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने इसको एक वैन लाकर दे दिया और उस टाइम पर ये कितनी जल्दी यहाँ से वहाँ पहुंच जाते हैं भाई, सच्ची में भी बहुत खतरनाक है। तो चल भाई जल्दी से जो मेन डाटा है वो निकाल ले। बाकी तो यार यहाँ पर देखो यही चीज हम चुरा कर लाए थे और गाइस यार इसके थ्रू अब हमें इनके जितनी भी लोकेशंस है जितने भी सीक्रेट्स हैं टेररिस्ट के सब कुछ पता चलने वाले हैं भाई, अब हमें सब कुछ मालूम पड़ जाएगा और टेररिस्ट से डरने की कोई भी बात नहीं है। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल पेज सर्वर डेटा ड्राइव तो यहाँ से लेकर जा चुकी है और उसको गए हुए काफी ज्यादा देर हो गई है, पता नहीं यार वो उसके अंदर क्या रिसर्च कर रही है। अब यार देखो जहां तक मुझे लग रहा है ना हम लोग ने टेररिस्ट का प्लान पूरा का पूरा फेल कर दिया है, क्योंकि जो उनके जितने भी टेररिस्ट थे ना जो लोग अटैक करने वाले थे उनको भी मैंने मार दिया, साथ के साथ जो सीसीटीवी था जिसको वो लोग डीएक्टिवेट करके बॉम्ब प्लांट करने वाले थे वो भी हमारे पास ड्राइव आ चुकी है। यानी कि वो लोग सीसीटीवी डीएक्टिवेट नहीं कर पाएंगे और अगर सीसीटीवी डीएक्टिवेट नहीं करेंगे और बॉम्ब प्लांट करेंगे तो सबको नजर ही आ जाएगा। बाकी भी जल्दी से ना यहाँ पर मैं पेज से बात करता हूँ आखिरकार वो क्या कर रही है। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल जो सीन है वो पहले से भी ज्यादा खराब हो गया है, मतलब कि जैसी बाकी टेररिस्ट को पता चला ना कि उनका जो प्लान है वो फेल हो चुका है, यहाँ पर जितने भी बंदे थे सारे के सारे मारे जा चुके हैं, उन्होंने अपना प्लान पूरा का पूरा बदल लिया और इसी सर्वर डेटा की वजह से हमें सब कुछ मालूम पड़ गया। तो गाइस यार उनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है ना हमने वो सुन लिया है और उनका प्लान है कि वो लोग डायरेक्टली आ रहे हैं और बॉम्ब प्लांट नहीं करेंगे, वो लोग सीधा आके बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे। तो अभी ना कुछ भी कर हमें उन्हें बीच रास्ते में रोकना ही पड़ेगा, वरना यार आज तो सीन खराब हो जाएगा और सारे के सारे बंदे मारे जाएंगे। और अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट आसपास भी कुछ होता है ना, अगर भले ही वो बच जाए बट आसपास भी कुछ ही होता है ना तो मेरे को कंफर्म पता है मिलिट्री कर्नल ट्रेवर को मार देगा। तो अभी ना हमें कुछ भी करके उन्हें रोकना है और अगर हम उन्हें नहीं रोक पाए तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अभी फिलहाल मैंने इससे लोकेशन तो ले लिया कि वो लोग अब भी उनकी करंट लोकेशन कहां पर है, तो ये कह रही है कि वो लोग बस माउंट शिला के पास से जाने वाले हैं, बस इतना ही सुनाई दिया है और अभी कुछ भी नहीं मालूम उनके बारे में। तो अभी ना मैं फटाफट से अपनी गाड़ी को भगा कर यहां से जाने वाला हूं और मेरे को ना उन लोग को बीच रास्ते में रोक कर मारना है, और अगर मैं उन्हें बीच रास्ते में नहीं रोक पाया तो समझ लेना फिर आज ट्रेवर नहीं बचेगा।
लगा कि यार कुछ भी करके हमें ड्राइवर को बचाना ही बचाना है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को बहुत ज्यादा तेज भगाता भगाता माउंट शिलाड़ के पास पहुंच चुका हूँ। अब यार देखो वैसे मेरे को जाना तो कहीं और था, अब रास्ता यहाँ से भी है, बट मैं माउंट शिलाड़ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं फ्रैंकलिन को अपने साथ ले जाने वाला हूँ। क्या पता यार फ्रैंकलिन कुछ ना कुछ तो मदद कर ही देगा। अभी जल्दी से चलता हूँ फ्रैंकलिन को लेने के लिए। उसको मैंने कॉल करके बोल दिया कि जल्दी से उस टनल से बाहर निकल जा। अब मेरे हिसाब से अभी तक तो वो निकल ही गया होगा क्योंकि मैं लॉस सैंटोस से यहाँ आ गया तो वो टनल से तो बाहर निकल ही गया होगा। फिलहाल सामने की तरफ में ना मेरे को एक बाइक दिखी थी। चलो 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 अभी ना फिलहाल यही वाली जो बाइक है मैं इसको लेकर जाने वाला हूँ। बस यार ये लोग मेरे को कुछ भी ना कहें क्योंकि तो जल्दी से ना मैं यहाँ से उतरता हूँ। और एक सेकंड क्या होगा, तुम्हारी भैंस की टांग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है बेटा, सारे के सारे ब्लास्ट हो जाओगे तुम्हारी भैंस की। एक तो इन्हीं लोग की हेल्प कर रहा हूँ, मेरे को एक गाड़ी भी नहीं जाने दे, बेमतलब मत छोड़े हो। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने इनके भर के गोलियाँ बजा दिया है। अभी जल्दी से ना बाइक पर बैठता हूँ और फटाफट यहाँ से निकल लेता हूँ। फिलहाल इस तरफ में ना एक बाइक हो रहा है तो मेरे हिसाब से ना ये वाली बाइक ज़्यादा नहीं नहीं यार माउंटेन बाइक तो यही वाली है। अभी जल्दी से ना यही वाली बाइक लेकर मैं यहाँ से निकलता हूँ। अभी मेरे हिसाब से बस फ्रैंकलिन बाहर आ जाए, एक बारी और कॉल लगा देता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि यार वो लेट कर दे। तो गाइस अभी ना फिलहाल मुझे फ्रैंकलिन का कॉल आया था और फ्रैंकलिन कह रहा है कि वो टनल के बाहर नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है। अब यार देखो इन सिक्योरिटी वालों को तो मैं पहले भी मार कर गया था, पता नहीं यार ये और टेररिस्ट इधर कहाँ से आ गए। खैर छोड़ो जो भी, अभी जल्दी से ना मैं वहाँ पर चलता हूँ और अभी जितने भी बंदे ना सबको मैं मारने वाला हूँ। मैंने फ्रैंकलिन को बोल दिया कि वहाँ से बस बाहर निकल जा, अभी कुछ ना कुछ तो देख यार करना ही पड़ेगा। अभी फिलहाल सामने की तरफ में भी एक बंदा है, इसको मैंने मार दिया और आगे की तरफ में भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, तुम्हारी ऐसे की तरह से सारे निकलो यहाँ से। अभी फ्रैंकलिन कहाँ पर है यार, फ्रैंकलिन इधर है भी नहीं यार, फ्रैंकलिन मेरे को लग रहा है अभी तक बाहर आया ही नहीं। अभी जल्दी से ना मेरे को यहाँ पर छुपना पड़ेगा और जितने भी बंदे गाइस अभी ना मैं सबको मारने वाला हूँ। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल उस साइड से फ्रैंकलिन बाहर आ चुका है। अभी जल्दी से फ्रैंकलिन ने भी इनका भूत बना ही दिया है, मार 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 किसी को मत छोड़ो भाई, पीछे भी बंदे हैं। तो चलो भाई फ्रैंकलिन सही टाइम पर बाहर निकल गया, दोनों को मारना, पीछे भी अभी दो तीन बंदे हैं। अभी फटाफट से गाइस यार यहाँ पर मैं इनको डाउन करता हूँ। चल बेटा बेचारे की एक गोली मारी, टोपी इसकी बाहर निकल गई और अभी फिलहाल एक बंदा ही रहा, इसकी भी मैंने भर दी। और यहाँ पर दो बंदे पीछे की तरफ से हो रहे हैं भाई, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है लोग किस लिए रखकर बैठे हैं यहाँ पर, तुम्हारी भैंस की, सारे के सारे मरो। तो चलो गाइस फाइनली यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना हमने सबको मार दिया है। फ्रैंकलिन जल्दी से गाड़ी में बैठ, अभी हमें कौन सी गाड़ी ले जानी चाहिए, काम कर बाइक पे ही आ। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर जितनी भी गाड़ी है ना सभी के ऊपर मैं बॉम्ब डालने वाला हूँ। अभी देखो यहाँ पर जितने भी टेररिस्ट थे ना इनको पता था कि यहाँ पर हम लोग आएंगे। अभी फिलहाल पूरा का पूरा मैंने इधर ब्लास्ट कर दिया, जल्दी जल्दी आ फ्रैंकलिन जल्दी आ, कुछ पता नहीं है अभी वहाँ पर क्या होने वाला है। अभी फटाफट से यहाँ पर मैं बाइक पर बैठता हूँ, अभी फ्रैंकलिन को भी साथ में बिठाते हैं। वैसे अपनी बाइक जो एकदम ठीक वाला था मैं और एकदम सही टाइम पर मैंने एंट्री करी, फ्रैंकलिन को भी बचा लिया और कोई दिक्कत भी नहीं आई। तो अभी जल्दी से हम लोग उस जगह चलते हैं जिस रास्ते से वो लोग जाने वाले हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक को बहुत ज्यादा तेज भगाने वाला हूं, अभी फटाफट से हम लोग यहां से सीधा निकल लेते हैं। अब यार देखो हमें ना यहां पर कोई छुपने की जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां से हम लोग ना एकदम चुपचाप छुपकर बैठ जाएं और वो लोग आए तो हम लोग उन्हें ढंग से देख भी लें। वैसे यार ये जो जगह है मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया तो लग रही है बट यार इतनी भी ज्यादा बढ़िया नहीं है। फिलहाल सामने की तरफ में ना कुछ लकड़ियां हैं, जल्दी से वहां पर चलते हैं और इधर ना गाइस चुपचाप बैठकर देखते हैं कि आखिरकार वो लोग आते हैं या फिर नहीं आते, और अगर आएंगे ना तो गाइस हम लोग उनका मुंह भी तोड़ देंगे। तो ये जगह मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। फ्रैंकलिन गाड़ी से उतर जल्दी से और यहाँ पर छुप के बैठ जा, मैं तो फिलहाल आकर बैठ चुका हूँ। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल एक ट्रक तो गया है, ये सारे के सारे ना मिलिट्री वालों की गाड़ियां हैं बट इसके ऊपर ना टेररिस्ट बैठे हुए हैं, वो भी मिलिट्री वालों के ड्रेस में। मतलब ये मिलिट्री वालों की ड्रेस नहीं है, ये किसी सिक्योरिटी की ड्रेस है ताकि बाकी लोग को कोई शक ना हो। फ्रैंकलिन जल्दी से बैठ, अभी ना इनका मुंह तोड़ना है, बाकी यार इनको मारना इतना ज्यादा मेरे को आसान नहीं लग रहा क्योंकि ये जो गाड़ी है ना काफी ज्यादा खतरनाक है और उस गाड़ी में बंदे भी काफी सारे हैं। तो ओके गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ देख पा रहे हो दो गाड़ियां ना कुछ ज्यादा ही आगे चली हैं जिसके ऊपर सारी की सारी फोर्स बैठी हुई है और पीछे की तरफ में ना एक ट्रक है। तो मैं काम करता हूं ना गाइस, ये जो ट्रक वाला बंदा है ना इसको एकदम चुपचाप से मार देता हूं कि आगे वाली जो दो गाड़ियां ना उनको किसी भी कीमत पर मालूम ना पड़े। वैसे यार जो मेन है ना अपने लिए वो ये ट्रक ही है क्योंकि इसी ट्रक के अंदर इनका शायद से बॉम्ब हो सकता है। वैसे मैं 100% श्योर नहीं हूं बट जहां तक मुझे लग रहा है वो इसी ट्रक के अंदर होगा। अभी फिलहाल इस ट्रक वाले को तो हमारे ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं है। जल्दी से एक काम करता हूं, यहां पर अपनी गाड़ी इसके आगे रोकता हूं और फटाफट से ना गाइस मैं इसका मुंह तोड़ देता हूं, पता है इसकी भैंस। तो चलो अभी ना फिलहाल यहाँ पर हमने इसका मुंह तोड़ दिया, बाहर निकल तेरी भैंस की, इसी के अंदर है गाइस वेपन्स, मैं 100% श्योर हूँ। तो चल भाई फ्रैंकलिन जल्दी से आके ट्रक में बैठ, बाकी तो यार जो मेन वेपन्स का ट्रक था वो हमारे हाथों लग चुका है। तो अभी फटाफट से ना इस वाले ट्रक को हम लोग ले जाकर कहीं दूर ब्लास्ट कर देते हैं ताकि यार हमें कोई भी दिक्कत ना आए। बाकी तो यार सच्ची में ये जो काम है बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अभी ना फटाफट से यहाँ पर मैं लेस्टर और उसको मतलब पेज को कॉल करके बता देता हूँ कि सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर पेज और लेस्टर दोनों से बात हो गई है और गाइस यार ये लोग कह रहे हैं कि हमने उन बाकी दो टेरिस की गाड़ियों को जाने क्यों दिया, हो सकता है कि उसके अंदर भी बॉम्ब हो। अब यार देखो मेरे को तो ये लग रहा था कि जो इनका मेन ट्रक है ना सारे के सारे जो बॉम्ब है जिसको ब्लास्ट करने के लिए ले जा रहे हैं वो इसी के अंदर है, बट यार अभी ऐसा जरूरी नहीं है, क्या पता उन्होंने अपनी बाकी दो गाड़ियों में बॉम्ब रखा हो। तो गाइस यार अभी ना एक काम करता हूँ, फटाफट से ना
ना मैंने पेज से उसकी लोकेशन निकलवा लिया है कि जो बाकी दो गाड़ियां भी कितना ज्यादा दूर गई हैं। मेरे हिसाब से ज्यादा दूर तो नहीं गई होंगी। अभी फिलहाल ना यहाँ पर हमें सबसे पहले तो एक गाड़ी चाहिए। फिलहाल इसको मैं मारता हूँ, तेरी भैंस की गाड़ी रोक। अभी यार ये निकल गया। अभी ना गाइस मेरे को एक गाड़ी की जरूरत है। बाकी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो जो उनकी लोकेशन है ना, ओके यहाँ पर एक गाड़ी तो हाईवे पर जा चुकी है और गाइस यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो लॉस सैंटोस की तरफ में जा रही है और दूसरी वाली गाड़ी अभी फिलहाल यहीं पर है। तो अभी ना जो लॉस सैंटोस की तरफ में जा रही है पहले मैं उसको पकड़ूंगा, बट यार उसको पकड़ने के लिए मुझे एक गाड़ी चाहिए। फ्रैंकलिन तो यहीं पर रुक ताकि कोई ट्रक ना चुरा के चले जाए। अभी फिलहाल सामने से एक गाड़ी हो रही है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, तेरी भैंस की टांग इतनी तेज मारी इसने टक्कर। ये गंजा पिटेगा, बहुत बुरी तरह पिटेगा गंजा। इसका मत्था फोड़ दूंगा मैं, तेरी भैंस की बाहर निकल। यहाँ पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन इसको समझ नहीं आ रही। निकल यहाँ से, तू मरेगा, बेमतलब मरेगा। आराम से कह रहा हूँ ब्रेक मार, तो इसने ब्रेक नहीं मारी। और अभी गाइस फटाफट से मैं निकल लेता हूँ सीधा उस जगह के लिए और फ्रैंकलिन इस वाले ट्रक का ध्यान रखेगा। तो चलो भाई अभी फिलहाल वाला जो ट्रक है हाईवे की तरफ में गया और दूसरा वाला ट्रक भी गाइस हाईवे पर जा चुका है। यार इस टाइम तो बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई है। अभी दोनों के दोनों ट्रक हाईवे पर जा चुके हैं, यानी कि लॉस सैंटोस के लिए निकल रहे हैं और वहां पर जाके कहीं ब्लास्ट ना कर दें। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं लॉस सैंटोस तो पहुंचने वाला हूँ, बट यार इस तरफ पे काफी ज्यादा ट्रैफिक है और टेररिस्ट ना इसी चीज का फायदा उठाकर यहाँ से निकल रहे हैं। और इन लोगों ने मेरे को पहचान लिया, तुम्हारी भैंस की मेरे को गोलियां मारोगे, इन लोग को पता नहीं कैसे पता चल गया। अभी फिलहाल यहाँ पर ना तुम्हारे भाई ने एक ही स्प्रे में इनके तीन तीन टेररिस्ट गिरा दिया। तुम्हारी भैंस के निकलो यहाँ से अभी। लेकिन यार जो गाड़ी वो काफी ज्यादा आ गया है, मेरे को पता है क्या लग रहा है कि गाड़ी के अंदर ही बम है और ये लोग ना सीधा उस जगह के बाहर ले जाकर अपनी गाड़ी ब्लास्ट कर देंगे। मैं हट जाओ यार, उस गाड़ी को मेरे को रोकना ही रोकना है। 3 2 1 यार कितनी ज्यादा तेज नहीं चला रहा वो, मेरी 170 किलोमीटर कम पड़ रही थी, तेरी भैंस की। अब रुकेगा ये, चिट चिट चिट, रुक जा रुक जा रुक जा, बस बस बस, बहुत सही बहुत सही। अब तो तू आगे जा ही नहीं सकता, इसको भी पता है उसकी मौत आ गया है। रुक जा बेटा, हॉर्न बजाने से कुछ नहीं होगा। बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ, तुम्हारी भैंस की तंग बाहर आ जाओ, बहुत तेजी में थे ना। चल तेरी भैंस की बाहर निकल। अभी फिलहाल इसका जो टैंक है वो तो मैंने ले लिया है। और गाइस यार एक काम करता हूँ, ये जो टैंक है ना इसके अंदर मेरे को 100% लग रहा है कोई ना कोई बॉम्ब जरूर होगा, इसलिए ये जो बॉम्ब है ये फटे उससे पहले मैं एक काम करता हूँ ना, इसको किसी एकदम ओपन फील्ड ले जाकर खड़ा कर देता हूं। अगर ये वहां पर फट जाएगा ना तो ज्यादा बड़ा ब्लास्ट नहीं होगा। तो भी जल्दी से ना इसको मैं यहां पर साइड में मोड़ता हूं। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके अंदर बॉम्ब हो सकते हैं। अब तो यार मैं 100% श्योर हूं कि इसके अंदर बॉम्ब जरूर है। तो भी जल्दी से ना इसको मैं लाकर यहां पर खड़ा कर देता हूं। अभी फटाफट से यहां से मेरे को उतरना है। उतरो उतरो उतरो, भागो भाई, अभी बहुत तेज मेरे को यहां से भागना पड़ेगा वरना बहुत ज्यादा गलत सीन हो सकता है भाई। अभी कुछ पता नहीं है, एक काम करता हूं, ये कब फटेगी मुझे नहीं मालूम, इसलिए इसके ऊपर मैं एक बॉम्ब डाल देता हूं ताकि मैं इसे फोड़ दूं। अभी जल्दी से हम लोग यहां से निकलते हैं और दूसरी गाड़ी मैं देखता हूं कहां पर है। तो अभी फिलहाल एक गाड़ी तो यहाँ पर है और दूसरी गाड़ी अभी उसी वाली सिटी में घूमे जा रही है। कहीं वो ऐसा ना करे कि ट्रक के पास चले जाए, ट्रक यहाँ पर है और वो फ्रैंकलिन को मारकर ट्रक ना छीन ले। चलो गाइस अभी ना फिलहाल जो मैंने गाड़ी के अंदर बॉम्ब लगाए थे जल्दी से मैं उनको ब्लास्ट कर देता हूँ। भाई साहब क्या ब्लास्ट हुआ है यहाँ पर, कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। मतलब गाड़ी का वजन इतना था कि गाड़ी वहीं की वहीं है और ब्लास्ट देखो कितना बड़ा हुआ है। खैर छोड़ो जो भी है, अभी जल्दी से मैं यहाँ से निकलता हूँ। अभी फिलहाल यहाँ पर आप लोग सोचो कि अगर ये ब्लास्ट उस बिल्डिंग के नीचे हो जाता ना तो पूरी की पूरी बिल्डिंग चूरम चूर हो जाती। फिलहाल अभी फटाफट से मेरे को यहाँ से निकलना है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा गलत सीन हो चुका है। अभी दूसरी गाड़ी को भी पकड़कर मुझे ब्लास्ट करना पड़ेगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं भागते भागते काफी नीचे आ गया हूँ, जल्दी से हम लोग चलते हैं सीधा हाईवे पर। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो काफी सारी गाड़ियां आ रही है, मेरे को बस एक गाड़ी चाहिए। ये गाड़ी बढ़िया लग रही है, आराम से रोक दे भाई इसकी भैंस की अभी मेरे लगती। अभी जल्दी से यहाँ पर मैं इसकी गाड़ी छीनता हूँ। नशे वशे में चला रहा है, बंदा नहीं दिख रहा तेरे को, वैसे मेरी गलती है, मैं हाईवे पर था। अभी फिलहाल बेचारे के बड़ी तेज यहाँ पर मैंने गन मारी है और तू भी उतर जा, जल्दी उतर जल्दी उतर। तो चलो भाई अभी, अबे ये ले भाई, मैंने तो आराम से उतारा था। तो चलो यार अभी फिलहाल फालतू की बातें नहीं करनी, जल्दी से अपनी वाली गाड़ी लेकर मैं निकल लेता हूँ दूसरी वाली कार को ब्लास्ट करने। तो कि गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी लेकर इन लोग के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच गया हूँ। बाकी यार जिस रास्ते पे मैं आया हूँ ना, बस यार एकदम बिल्कुल सही रास्ता हो मेरे हिसाब से, तो वो लोग यहाँ से एकदम सीधा गए हैं और इस तरफ में इतने सारे पत्थर ऐसे गिरे रहते हैं कि मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। वैसे क्या पता गिरे रहते होंगे, नॉर्मली है। अभी फटाफट से ना हम लोग सीधा आगे चलते हैं, वो लोग यार यहीं से जा रहे हैं। और अभी ना यार उन्होंने ना लॉस सैंटोस जाने के लिए दूसरा हाईवे पकड़ा है। मतलब क्या आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, वो लोग यहाँ से ना एकदम सीधा जा रहे हैं, उसके बाद वो लोग यहाँ से इस वाले हाईवे से सीधा निकलेंगे लॉस सैंटोस। अब उनके पहुंचने से पहले ना मेरे को उन्हें बीच रास्ते में गिराना है, उनको ना हाईवे पर पहुंचने से पहले ही मैं पकड़ लूंगा ताकि और किसी को भी कोई दिक्कत ना आए और उन्हें भागने का मौका भी ना मिले। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं इन लोग के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुका हूँ। आप लोग को ना यहाँ पर नजर आ रहा होगा इनकी गाड़ी है ना मेरे से पीछे हो गई है क्योंकि मैंने बीच रास्ते में दूसरा रास्ता पकड़ लिया था। अब ये जो रास्ते है ना दोनों यहाँ पर आगे आके मिलते हैं और इसी जगह पर ना मैं इनका खेल खत्म कर दूंगा। तो भी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलता हूँ। अब बस कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग पीछे की तरफ में अपनी गाड़ी मोड़ लें। फिलहाल जो अपना प्लान है ना वो बिल्कुल एकदम सही जा रहा है, बस मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर पहुँचा दूँ। और मेरे को पता था ये गाड़ी कोई ना कोई हरकत करेगी, इसका हमेशा का है, बट अभी सीधी होगी, अच्छी बात है। यार वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा इस जगह के क्लोज पहुँच चुके हैं।
जल्दी से ना यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी खड़ी करता हूँ, फटाफट से मेरे को यहाँ पर उतरना है। और यार यहाँ पर तो काफी सारे बंदे हैं, जल्दी से ना गाइस इस वाली गाड़ी के अंदर मैं बॉम्ब लगाता हूँ पूरे के पूरे। और भाई तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, जान का खतरा यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बहुत तगड़ा, क्योंकि यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है। जितने भी बॉम्ब है ना गाइस सारे के सारे यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। और वो लोग यार ऑटोमेटिकली जितनी गोलियां हो सकती है सारी की सारी चलाते हुए आ रहे हैं। फटाफट से मेरे को बस इसे ब्लास्ट करना है। 3 2 1 ले ब्लास्ट होगा। ओ भाई साहब यहाँ पर ब्लास्ट तो तगड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये लोग की गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ, बाहर निकल तेरी भैंस की। यार जो मेन बंदा था ना वो बच गया, पर सारी अपनी गाड़ी, मेरी गाड़ी तो फूट गई। और जितने बंदे थे वो भी मर गए, जो मेन ड्राइवर है वो बच गया है। अभी फिलहाल ना यहाँ पर एक रेसिंग टूर्नामेंट होने वाला था, अच्छा हुआ कि मेरे को इनसे बाइक मिल जाएगी। बिना जल्दी से मैं गाड़ी तक चलता हूँ, और वैसे गाड़ी वाला भी ज़्यादा आगे नहीं पहुँच पाया, इसकी गोलियाँ पड़ गई थी ना, शायद मर गया क्या। एक सेकेंड, आराम से चलो भाई इसका भी खेल करता हूँ, निकल यहाँ से तेरी ऐसे की तैसी। लो भाई ये जो अपना प्लान था ना एकदम सक्सेसफुल गया, मतलब मैंने पूरा पूरा इनका रास्ता ट्रैक कर लिया था। अभी फिलहाल इसके अंदर मैं बॉम्ब डाल देता हूँ। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इस गाड़ी पर एकदम भर के यहाँ पर स्टिकी बॉम्ब लगा दिए हैं, और अभी फटाफट से यहाँ पर मैंने इसको ब्लास्ट भी कर दिया है। तो चलो यार अभी ना बिना किसी देरी के मैं निकल लेता हूँ सीधा फ्रैंकलिन के पास। और यहाँ पर जो टेररिस्ट है ना भाई, सच्ची में इनको मारने में कितना ज़्यादा टाइम लग गया। एक टेररिस्ट लो सेंटोस में, एक टेररिस्ट सीक्रेट बेस में, बाकी पता नहीं कहाँ पर कितनी प्लानिंग चल रही थी, कितने टाइप के बंदे थे भाई, सच्ची में हालत खराब होगी इनको मारने में। अभी फिलहाल जितने भी रेसर थे बेचारे भाग भाग के इधर आ गए हैं, और इनमें से किसी एक बंदे की वाली बाइक है। खैर छोड़ो अभी ना मेरे को इनसे मतलब नहीं है, अभी जल्दी से मैं निकलता हूँ सीधा फ्रैंकलिन के पास। तो चलो गाइस फाइनली मैं वापस से पहुंच चुका हूँ सीधा फ्रैंकलिन के पास, और सामने की तरफ में जो हमारा ट्रक है वो एकदम सेफ खड़ा हुआ है। तो अभी जल्दी से मैं अपनी बाइक को यहीं पर खड़ा करता हूँ। फ्रैंकलिन जल्दी से आ भाई ट्रक में बैठ। और यहाँ पर ये जो बंदे हैं ना, वैसे अभी तो हमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं ना, क्योंकि अभी टेरिस में सबसे ज़्यादा बचे ही नहीं है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने फ्रैंकलिन को पीछे वाली सीट पर ही बैठने के लिए बोल दिया, ताकि ये वेपन्स का भी ध्यान रख पाए, क्योंकि अभी वैसे 100% नहीं कहा जा सकता कि हम लोग टेरिस से बच सके हैं, मतलब बच चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यार टेरिस अभी और आ जाएं और हमें मारने लग जाएं सीधा। वैसे तो यार अभी मिलिट्री ने हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया इस चीज़ में, क्योंकि यार मिलिट्री को ये लग रहा था कि हम लोग खुद टेररिस्ट हैं, बट यार अब हमने टेररिस्ट को मारा है और मिलिट्री को बचाया, तो शायद से इस चीज़ के बाद उन लोग को ये प्रूफ हो जाएगा कि हम लोग टेररिस्ट नहीं है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल हम लोग अपने ट्रक को लेकर उसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर हम लोग पहले आए थे, और इस टाइम पर पेज भी इधर ही आ चुकी है, क्योंकि वो देखना चाहती है कि आखिरकार ट्रक के अंदर कौन से बॉम्ब थे। तो अभी जल्दी से यहाँ पर हम लोग अपने ट्रक को इसके अंदर पार्क कर देते हैं। लो भाई तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर अपना जो काम है वो सारा कंप्लीट हो गया, और आप लोग यहाँ पर अंदर देख पा रहे हो कितने सारे बॉम्ब थे। ओके तो चलो गाइस फाइनली यहाँ पर हम सब ने मिलके ये जो काम है कंप्लीट कर दिया, और शायद से अब जो मिलिट्री कर्नल है ना वो ट्रेवर को छोड़ देगा। तो अभी ना बिना किसी देरी के मिलिट्री कर्नल के पास चलते हैं। वैसे यार मेरे हिसाब से आज हम लोग उसके पास नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जहाँ पर आज स्पीच चल रही है प्रेसिडेंट की वो वहाँ पर होगा, बट यार अभी ना उससे फ़ोन करके तो पता करना ही पड़ेगा कि वो अब ट्रेवर को छोड़ेगा या फिर नहीं छोड़ेगा। बाकी यार सबसे पहले चलते हैं लॉस सैंटोस, लेस्टर को भी अपने साथ लेते हैं, क्योंकि यार अभी ना हमें टेररिस से खतरा हो सकता है अगर टेररिस बचे हुए हो तो। वैसे यार अभी कहा नहीं जा सकता कि टेररिस्ट सारे मर गए हैं, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि यार जो टेररिस्ट का मेन बॉस है वो अभी भी जिंदा है, बट यार जो प्रेसिडेंट है उसको तो हमने बचा लिया, यानी जो इनका मिशन था, जो इनका प्लान था वो हमने फेल कर दिया है। जितने बंदे उन्हें मारने जा रहे थे उन सबको यहाँ पर हमने बीच रास्ते में खत्म कर दिया है। बाकी यार थोड़ी देर में मौसम इतना बदल गया क्या बताऊँ, फिलहाल ये जो गाड़ी है काफी ज्यादा बढ़िया है। खैर छोड़ो जो भी, अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर चलता हूँ हाईवे पर, और फटाफट से निकल लेते हैं सीधा लॉस सैंटोस के लिए। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो पर मैं एम करता हूं 7 लाख लाइक के लिए। तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि आज से मैं GTA 5 के अपकमिंग एपिसोड का एक ट्रेलर एक दिन पहले इंस्टाग्राम पे डालने वाला हूं। तो जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। तो चलो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।